प्रिपेयरिंग टू लाइव स्ट्रीम द मीटिंग एंड वी आर लाइव ऑन यूट्यूब। हमारा बच्चा 4 साल का हो गया है, उसके दो बच्चों वाले दांत नजर तो आते हैं, बड़े लाइन से निकले हैं अभी। और टेम्पर का टाइम खत्म, पॉटी ट्रेनिंग तमकीना उसको दे चुकी है, और 11 बजते ही जिस बच्चे के फोड़े निकले वो फोड़ा है द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। फोड़ों से याद आया हमारे आज मेहमान बहुत पसंदीदा, बहुत प्यार भरे गुजरात की दीपिका पादुकोण हमारे साथ है। लानत तेरे ऊपर पूरे लाहौर के कनाल में रणवीर सिंह खड़े हो गए हैं जब से गुजरात की दीपिका निकली है लाहौर की सड़कों पर हमारे साथ। पाकिस्तान एक्सपीरियंस रात के 11 बजे मुझे देने के लिए बुलाया एनिवर्सरी पर हरा हेयर बैंड, हरे पॉडकास्ट के लिए हरा हरा काम में खड़ा तमकीनत मैं पाकिस्तान एक्सपीरियंस के रेफरेंस से। और आप अगर इनका फेसबुक खोले तो पार्टी, अगर आप इनका इंस्टाग्राम खोले तो पार्टी, कभी परेड कभी कार्निवल, लेकिन हमारी जूम मीटिंग इन्होंने ऐसे ज्वाइन की है जैसे एक्स की मैयत हो और वाइट बैकग्राउंड लगा कर खातून हमारे साथ मरियम शफकत पुराया। ये मरियम आप वॉइड में क्यों है आज? चलो यार इस तरह के मेरे से क्वेश्चन पूछते पे मैं हाय हूँ, ईस्टोन हूँ मैं, ईस्ट। अच्छा तुम लोग यार अपना she's high on life, she's high on love। प्राइड पे एक बहुत मजेदार वाक्य हुआ जिसका मैं चाहती हूँ कि मैं बताऊँ। इरशाद PG-13 करके बताना। नहीं नहीं PG-13 ही था, PG बल्कि मैं तो कहती हूँ 12 कोई 10 के आसपास था। वो प्राइड पे हम लोगों को एक बिल्कुल पहले हम लोगों ने बड़ी मजे की वीडियो बनाई ना, हम चारों ने मिलके, सुमरिन थी, लिलित थी, मैं थी, हमें तो मैंने कुछ लोगों ने देखी होगी जो मेरी वो जो प्राइवेट उसके हैं, उस वीडियो में था कि प्राइड की सबसे अच्छी बात क्या है। तो लिलित कहती है कि डाइवर्सिटी, और आमना से पूछा प्राइड की सबसे अच्छी बात क्या, तो आमना कहती है प्राइड। आई वॉज लाइक वाओ। सुमरिन से पूछा, सुमरिन कहती है मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा नहीं, प्राइड की सबसे अच्छी बात यह है कि प्राइड में यहाँ पे देसी मुसलमान स्ट्रेट मर्द नहीं है। तो देन वी वर लाइक यस दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट प्राइड। बट लेटर ऑन व्हाट शर्म आनी चाहिए मरियम, तुम पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा रही हो। डिड यू नॉट मिस दिस दैट यू कुड फ्रीली वॉक ना, फिर कारमा आई एम श्योर अभी पूरे के जितने वहां देसी पाकिस्तानी मुसलमान मर्द होंगे ना उतने वहां गोरे भी नहीं होंगे। अभी स्टोरी पूरी नहीं हुई, अभी स्टोरी पूरी नहीं हुई। मरियम डिड यू नॉट मिस कि तुम परेड कर रही हो और सामने डेली पाकिस्तान माइक लेके आ जाए। आप कौन से एजेंडा पे हैं? आप कौन से एजेंडा पे हैं यहां पर? मैं बताती हूं, आप जर्मनी में नंगा फिरना चाहती है? क्यों आजादी चाहिए आपको? तुम लोग जो इतने सारे मेरी प्राइड की पार्टी से, तुम लोग जो मेरी प्राइड की पार्टी से इतना सारे हो ना, फिर हुआ ये कि मतलब द आयरनी ऑफ इट के वी केम अक्रॉस अ देसी गाय जिसको लिलिथ ने मुझे बताया कि उसने जब पहले उससे उसका नाम पूछा था उसने कहा था उजी। ठीक है, हमें उसके हमें मतलब तो दैट वाज अ देसी गाय दैट इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज उजी मूजी। वाओ इंटरेस्टिंग। तो आगे तुम लोग बस सोच लो कि फिर हमारी क्या वो हुआ। नहीं आगे बताओ ना, हम क्यों सोचें, हम बताओ हम कैसे सोचें। तुम लोग आर यू इंटरेस्टेड इन द स्टोरी? मेरी बहनें जो हैं दे आर लाइक रोलिंग, आमना इज लाइक रोलिंग, आमना इज लाइक चलो चलो फिर शुरू कर ही लिए जब इतना हो गया मालिक तो 10 मिनट और सही। हां इतना खर्चा अब तो पूरी ऑडियंस को लगता है कि उजी मूजी इंटरेस्टेड इन योर कूजी कहानी सुनो। अस्तगफिरुल्लाह, नो नो दैट्स नॉट द केस। उजी वाज विद विद अनदर गर्ल, बट क्या नाम है, उजी से आते सार हमारे ग्रुप में से सुमरिन ने सवाल पूछा कि उजी मुजी आप करते क्या है। तो उजी ने लंबी सी सांस भरी, उजी ने कहा कि ये तो बहुत प्राइवेट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद जी फिर उसके बाद फिर उसके पास फिर नहीं उसके पास फिर यार ये स्ट्रेट पाकिस्तानी देसी मर्द है, कॉन्टेक्स्ट बता दूं। अच्छा अच्छा हाँ जी। उसके बाद फिर उजी से उसके बाद फिर उजी भाईजान से किसी ने पूछा कि क्या नाम है आपके जो है ना आप लेकिन आमना ने पूछा, आमना ने कहा वेयर आर यू फ्रॉम, ना कहते हैं आई एम फ्रॉम बर्लिन।
आमना वाज लाइक आमना नॉट आई लाइक बट रियली वेयर आर यू फ्रॉम तो कहता है वो पाकिस्तान में एक जगह है जिसका मुझे नाम भी नहीं पता और उसका मुझे वाकई भी नाम भी नहीं याद बिकॉज आई एम लाइक स्टोन तो वो वहां से था ना फिर उससे पूछा हमने कि लाइक व्हाट डू यू डू इन बर्लिन आई फर्स्ट फर्स्ट ही लिव्स इन बर्लिन एंड ही इज फ्रॉम बर्लिन दैट इज लाइक द रूम इन देन वी आर लाइक व्हाट डू यू डू इन बर्लिन ही वाज लाइक आई लिव इन बर्लिन सो लाइक वी वर लाइक व्हाट द दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू डू इन बर्लिन एज़ वेल If ever given a chance, I would just want to live and do nothing. अच्छा चलो ये तो चलो उजी अपने दोस्तों से बात कर रहा है बोल रहा है ब्रो मैंने इतनी चेस्ट की थी और ये दो दफा हमारे ग्रुप की मेरे पीछे लेकिन फिर उजी सुन तो लो ना फिर उजी कुछ ने दो दफा हमारे ग्रुप की दो खवातीन से जो है ना उनके स्पेस के अंदर घुसने की और टच्ची फिल्ली और वो सब कुछ होने की कोशिश की ऑफ कोर्स मैं भी शामिल थी और उन भी हाँ ऊ सीरियसली उसके बाद से आई एम ऊड मैं कहती हूँ मैं वैसे बड़ी बनती हूँ कि मैं मतलब आग लगा दूंगी और मैं कत्ल वगारत फैला दूंगी और मैं बड़ी डाडी बनती हूँ और मैं कहती हूँ मैं चीज क्या हूँ मेरे को करीब से गुजरे सही जल तो उजी मुजी ने दो दफा मेरे कंधे पे ऐसे ऐसे उसने किया तो मुझे पता ही ना चला मैंने कुछ बोला ही ना आगे से मैंने कहा ये अच्छा तो फिर बाद में ललित ने मुझे मुझे आगे बताया क्लियर कहती है वाजी ही डिड दिस और ललित कहती है कि इस मसले में तुम्हारे और उसके बीच में हो गई थी और मतलब मैं कहती हूँ वैसे मैं बड़ी बनती हूँ कि मैं बड़ी शै हूँ ना मैं हर किसी की भी ना मार दूंगी माँ बहन कर दूंगी लेकिन उसी मुझी ने दो दफा मुझे ऐसे ऐसे किया बात करते हुए एंड हियर आई एम आफ्टर द प्राइड ये जो इतना सड़ रहा था उस वक्त से प्राइड पे हो आई प्राइड पे हो आई प्राइड पे हो आई और जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके बाद तो जो मेरे साथ हाल हुआ है मतलब मैं कहती हूँ यार भी कल परसों में सोच रहे थे कि एट टाइम इस तरह की फखर फखर जमाने पाकिस्तानी क्रिकेटर वो हर साल परेड पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज करते हैं फखर के लिए फखर परेड उसको कहते हैं फखर की तकरीब फखर की तकरीब एनोस कह रहे हैं शहजाद मैंने यू गेटिंग अ हेयर कट यार इतने टाइम बाद मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं आज शहजाद कह रहा था स्पेशली अभी लाइव आने से पहले कि मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं आज यार अच्छे लग रहे हैं तो अच्छे लग रहे हैं मान लो मतलब क्या हो गया शहजाद तुम्हारे हमेशा ही अच्छे लगते हैं यार Always you look fantastic all the time. आप लोगों को पता है तो आजकल तो मैं चीजें मैं रख के भूल जाता हूँ बेख्याली. आजकल शहजाद फुल टाइम शाहरुख खान मोड में राहुल बना हुआ है राहुल फुल टाइम आजकल ये चल रहा है शहजाद का ये शाहरुख खान वाला उजी मूजी का बताएं तमकीना रोस्ट करें कि कौन है उजी यार रोस्ट नहीं वो जो अभी इसने कहा है ना कि वैसे मैं बहुत बनती हूँ लेकिन उस वक्त मुझसे कुछ नहीं हुआ मैं कल परसों ये सोच रही थी पता नहीं आई वाज वाचिंग समथिंग जिसमें यही था कि अ लॉट ऑफ वुमेन डोंट कम आउट अबाउट देयर असॉल्ट्स एंड यू नो अब्यूज क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे एक तो आपका दिमाग लाइक वो फ्रेगमेंट हो जाता है एकदम कि इज इट रियली हैपनिंग मैं ज्यादा सोच रही हूँ मैं गलत सोच रही हूँ दूसरा यू सॉर्ट ऑफ फ्रीज इन दैट वेरी मोमेंट और बहुत सारी जो ऐसे भी होती है ना बहुत बड़बोली किस्म की आउटस्पोकन और सीमिंगली वेरी ब्रेव वुमेन वो भी कुछ ज्यादा नहीं उस वक्त कह पाती बिकॉज चाहे आपके साथ 5,000 दफा भी हुआ हो एवरी टाइम स्ट्रेंजर और इवन समबडी दैट यू नो टचेज यू इनअप्रोप्रिएटली इट इज अ शॉक एक शॉक yeah. है एक उसके साथ एक सॉर्ट ऑफ एक ह्यूमिलिएशन एक आपको इंसल्ट फील होती है अपनी एक आपको बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ कंडीशनिंग एक शेम उसके साथ एसोसिएटेड है तो एकदम से आपको ना आपको समझ आती है कि क्या हुआ है और ना आप रिएक्ट कर सकते हो इट इज वेरी नेचुरल आई एम सो पिस्ड ऑफ सिंस देन आई एम लाइक जस्ट 3 hours back मैं हम ले लेते हम लोग वो वीडियो बना रहे हैं हा हा देयर नो देसी मैन हियर इन प्राइड हा 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 एंड देन देयर वाज अ देसी मैन मैन एंड देयर इट गोस या एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री या ये पुब्जी अगर तुम सुन रहे हो बगैरत आदमी लोगों के एक्सपीरियंसेस बर्लिन जाके भी बर्बाद कर रहे हो बर्बाद आदमी कल मुहे कीड़े पड़े तुझे लाना तो तुझ पे उजी मूजी एक तो तू इतना लूजर लोगों को अपना नाम उजी मूजी बताता है बगैरत और फिर बोलता है आई एम फ्रॉम बर्लिन सच बोलना अपना उजी बताया था लेकिन ललित ने उसको गुजरांवाला में हाँ ये जो लोग होते हैं ना मैं तो भूल गया नहीं एक्सक्यूज मी गुजरांवाला को कुछ कहने की जरूरत नहीं है अच्छा कोई हाड़ी हाड़ी कह लो मुझे लगता है कि उसने ना किसी मुस्तनसर सेंट आया था कि लाहौर से तो लाहौर के एक पेट्रन सेंट है यार तो
I don't remember. I don't even remember the name of that place. But and that guy times, was like of the recent times. अपना accent ऐसे बना रहा था. अपना accent ऐसे बना रहा था कि पता नहीं चल रहा था कि है कहाँ से. यार लोग दो दो महीने सिर्फ जाके यूके रहती है और वो ऐसे बोलना शुरू करते हैं कि यार फोन पे समझ तो नहीं आती है आपको. Really, I want to tell you what happened with me that time. I mean, यार दो महीने पहले तो इधर मेरे साथ गुजरात में रह रहा था बहन के. तुझे वहां जाके एकदम कौन सी बत्ती दी या किसी अंग्रेज ने कि तेरे मुंह से इस तरह का एक्सेंट निकलना शुरू हो गया है. मतलब ऐसा कि गोरे को भी ना समझ आए. Because fired in peace, हमेशा आपके घर से आके पॉडकास्ट करता हूँ. यार बदल ऐसी है भाई डार्क साइड का. यार ये वीडियो मैंने शेयर करनी थी मुझे भूल ही गया. थैंक यू राजा गौर. थैंक यू ऑनकर लैड. उन लोगों ने मेरे बालों की बहुत तारीफ की. वाह. और शायद 4 सालों में आपने क्या खोया और क्या पाया. बाल गिरना शुरू हो जाते हैं मर्दों के ना अक्सर. वो जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है उनके गिरते हैं. शहजाद के नहीं गिरे. अच्छा. शहजाद का एस्ट्रोजन ज्यादा है इसके दुदू निकल आए हैं इसके बाल निकले एकदम बाल बच रहे हैं. मेरा टेस्टोस्टेरोन इतना हाई है वो गिरना शुरू हो गए भाई. वो टेस्टोस्टेरोन नहीं है जो तुम्हारा हाई है. उसको हर्निया कहते हैं. अच्छा हुआ नहीं सुनाई दिया. बहुत अच्छी बात है. ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए. आप जिंदगी में क्या चल रहा है. एक्साइटिंग कुछ हो रहा है जिंदगी में. क्या चल रहा है यार जिंदगी में. कुछ खास एक्साइटिंग नहीं हो रहा. एंड फॉर द मोमेंट आई एम फाइन विद इट. बस अभी सुकून चल रहा है. बच्चों की छुट्टियां गर्मियों के खत्म होने वाली हैं और उससे रिलेटेड कुछ हलचल चल रही है. अब नए बस्ते नहीं नई किताबें नई पेंसिलें रबर शार्पनर ये सब कुछ शुरू हो जाएगा कुछ ही दिनों में. सो मैं उस तूफान से पहले की खामोशी एंजॉय कर रही हूँ. समझे आपको ऐसा कभी होता है बच्चों के साथ बाहर हो और लोग आके बोले कि प्लीज प्लीज एक सेल्फी प्लीज. हाँ बहुत बार होती है. हर दफा होता है. एवरी टाइम आई गो आउट. डू यू हेट इट. नो I don't hate it. I get a little awkward, but शुरू में तो मैं कहती थी जब कोई शुरू पहले मुझे ये था कि because I always wanted to you know be recognized and famous and all of that. लेकिन जब start में होना शुरू हुआ तो मैं इतनी एकदम थोड़ी वो हो जाती थी परेशान सी कि मैंने शुरू में कहना शुरू कर दिया कि नहीं I'm not that person. लोगों ने पूछा कि आप वही हैं जो videos बनाती हैं. तो मैंने कहना नहीं मैं नहीं हूँ. And it came as a shock to myself कि जब असल में ऐसे होता है तो काफी मुश्किल लगता है हैंडल करना. लेकिन अब आई डोंट. अब आई एम लाइक कि हाँ ही मतलब मैं खिंचवा लेती हूँ तस्वीरें. लाइक नाउ आई हैव स्टार्टेड टू सॉर्ट ऑफ लाइक इट. लेकिन एवरी टाइम इट हैपेंस इट्स अ शॉक एंड इट्स अ लिटिल ऑकवर्ड. तो है भी अब टीवी स्टार ना यार. एक ड्रामा आया अभी केड़ा स्टार. नाम है तुम्हारा. वो सब कमेंट करते रहते हैं. मैंने फिर आई पोस्ट समथिंग विद यू. व्हाट्स योर कैरेक्टर्स नेम. बिट्टो. बिट्टो मरियम आपने देखा. नो मरियम ने देखा. मरियम मेरी तरह है. संजय का दिल टूट चुका है. संजय कह रहे हैं नहीं तम किनत के बच्चे हैं. तो क्या है बच्चे ही है और खुदा ना खास्ता मुझे एड्स तो नहीं है. क्या हो गया. इमरान खान जुनैद मेरी सीक्रेट आउट मत करो. एक्सपोज मत करो. हम सब पीटीआई सपोर्टर बन चुके हैं अब. हाँ जी. जब से मैं पता चला है कि इसमें बहुत क्लाउट है. पूछ रहे हैं हाउ वाज तमकिनत एक्सपीरियंस एक्टिंग इन अ टीवी शो फॉर द फर्स्ट टाइम. हां ये अच्छा क्वेश्चन. यार बिकॉज़ एवरीबॉडी दैट आई वाज वर्किंग विद वाज मतलब सब बहुत अच्छे लोग थे तो मुझे मजा बहुत आया. अदरवाइज प्रोडक्शन के बहुत रफड़ होते हैं. आपके पैसे में फंस जाते हैं काफी जो कि एक बहुत तकलीफ दे काम है. पैसे ज्यादा नहीं मिलते. अगर लोगों का ख्याल है कि टीवी में कोई बहुत पैसा है बहुत बड़े स्टार बनने के बाद आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं वरना आपको थोड़े पैसे मिलते हैं. थोड़े पैसों में आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है. बट आई लव द एक्सपीरियंस बिकॉज आई लव्ड एवरीवन दैट आई वाज वर्किंग विद.
मैं खुद अभी एक चैनल को कॉल आउट करने ही वाला हूँ जिसने 2 साल से मेरे पैसे खाए हुए हैं, और टीवी व्हेनेवर आई मेंशन इट पीपल आर लाइक रुक जाओ मत करो काम नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी अब बस हो गई है, 2 साल से मेरे 2 लाख यार ये रुपए सब पैसे चैनल करते हैं, सब चैनल करते हैं, कोई एक नहीं है। हर चैनल आपको अपने पैसे के लिए तरले नहीं, नहीं। मिनते करनी पड़ती हैं, कहीं ज्यादा कहीं बहुत ज्यादा तरले मिनते आपको करनी पड़ती हैं। आपको हर दूसरे दिन कॉल या मैसेज करके कहना पड़ता है कि सर प्लीज मेरे पैसे दे दें, प्लीज मेरे पैसे दे दें। आपको फकीरों की तरह अपने ही पैसे मांगने पड़ते हैं। तो हाँ ये हर चैनल के साथ है। कोई भी, मैंने एक जियो का सुना है, जियो एंटरटेनमेंट का, बहुत सारे जो एक्टर्स हैं वो कहते हैं कि वो आपके मांगे बगैर पैसे दे देते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी काम नहीं किया इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक्टर से सुना है कि आपको खुद पैसे भेज के आपको मैसेज कर देते हैं कि आपके पैसे आप कहे बगैर, विच इज लाइक आई कुडंट बिलीव इट। उसके अलावा सब चैनल ऐसे करते हैं। ये मसला है पटवारियों का, वो जियो को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, ये जो बिके हुए होते हैं ना, मरियम नवाज ने दी, मरियम अस्तगफार, मैं नवाज के पटवारियों मीडिया की, सेल के जो लोग हैं ना, वो इसमें भी जियो अस्त की तारीफ करना जरूरी है, वरना मरियम नवाज चेक के पैसे काट काट भाई अगर पटवारी मैं मीडिया। पटवारी हूं ना तो फिर तो दुनिया का हर बंदा ही पटवारी है। जितनी गालियां मेरे ख्याल से हमारे घर में सुबह दोपहर शाम नवाजू और शिबाजू को दी जाती है ना, अल्लाह माफ करे। ठीक है, ऑनलाइन आप जिसको जो बोलना है बोल सकें, मैं किसी की कोई गारंटी नहीं ले सकता, मैं सिर्फ हल्फन एक बात कह सकता हूँ, अली आफताब सईद पटवारी नहीं, बस हाँ खुदा की कसम खाकर मैं ये कह सकता हूँ। बल्कि अगर कभी कहीं पटवारियों का कत्लेआम शुरू हो जाए और आपको समझ ना आए कि इनको कौन मार रहा है, चुन चुन के पटवारियों को कोई बंदा बेदर्दी बेरहमी से कत्ल करना शुरू हो जाए तो वो अली आफताब सईद ही होगा। मैं द आप लोगों को मैन हेट्स PLN विद अ पैशन। उसको एक्सपोज कर रही हो, बेचारा वो बहुत न्यूट्रल न्यूट्रल रह के सब साइड से खेलता है, हम उसको वो बस जो न्यूट्रल अली है आफ्ताब लेकिन नफरत जरूर जो करता है वो। जो अली आफ्ताब सईद के फैंस हैं, मैं बस बोलूंगा आपको लाहौर में वो कहीं भी मिले उसे आके बोले अली भाई काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, नवाज शरीफ के बारे में आपके क्या ख्याल है, क्या बस बस ख्याल है? 5 मिनट आप सुन लें कि वो क्या कहते हैं। मरियम लोग पूछ रहे हैं हाउ योर जॉब सर्च गोइंग, यार ये कौन बहनचोद, किसने पूछा? कौन है? देखिए पर्सनल सवाल जो है ना, पर्सनल सवाल दैट इज जैसे कि कैस क्या नाम था उसका, बूजी लूजी ने बोला दैट इज वेरी पर्सनल क्वेश्चन। पूछते होते। अच्छा इस तरह मैं नहीं करती होती ओवर शेयर अपनी आप जिंदगी, मरियम का नहीं बॉडी का वो पूछ ले, लेकिन आप उसकी जॉब के बारे में ना पूछ। जॉब इज वेरी बच्चन पर्सनल, अगर आप पूछना लेकिन उस चाहते तो हैं, देखो बंदा एक अपनी अगर बात आप बता दे तो कैसे लोग याद कर लेते हैं ना कि अच्छा मैं जॉब ढूंढ रही हूँ और अभी हमने नेक्स्ट टाइम उसे पूछना है, बहुत प्लीज नो कपटे पर्सनल लोग क्वेश्चन, हैं। जॉब के बारे में मरियम से कोई सवाल नहीं पूछेगा, अगर कोई पूछना चाहता है अरबी किस तरह इसके घर आके पूरी रात शीशा पी के बोल रहा था मुझे रात रुकनी, ये बातें हो सकती हैं, ये पर्सनल नहीं है। जॉब वॉब मेरी एग्जैक्टली शादी, मरियम की जॉब और पर्सनल सवाल तमकिन सारे मुझसे पूछ ले, तमकिना बाकी के मरियम से। फिलर, इनके बारे में कोई सवाल नहीं होंगे, सारे पर्सनल। आई तो लव प्रमोटिंग माई सेल्फ, आई डिड माई फिलर्स माई सेल्फ एंड लुक व्हाट अ ब्यूटीफुल जॉब आई डिड। एनीबॉडी हु या वांट्स टू गेट आई टिकट्स एग्री, डन प्लीज कम टू आई मी, एग्री, सो आई नेचुरल एंड एग्री सो प्रिटी। क्यों मरियम? हाँ तमकिना, हाँ आई आई थिंक वी एग्री। शुड मेक अ वीडियो बाय द वे, आई थिंक ये जो अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, कितनी वीडियोस तो बनाई है फाइंड यार। बट मैं ना अभी एक बात बताऊं, अनरियलिस्टिक से ज्यादा ना मुझे ये लगता है कि ब्यूटी स्टैंडर्ड से ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो स्टुपिडिटी है, तो अगर आप मतलब इंट्रिंसिकली डम है ना तो फिर मतलब फिर आपको यही लगेगा कि मेरी शक्ल तो मतलब उसको ना मैं कुछ ऐसा करूं उस पे ऐसे को बम फोड़ूं कि मैं मतलब अलग ही लगूं जाके, वो मुझे लगता है इट्स लाइक मुझे लगता है कि इसका साइकोलॉजी दूसरी वाली उसका उससे ज्यादा ताल्लुक है द एट रीजन दैट तम सेम कि टाइम। आई एम सेइंग इट इज आई थॉट मैं बहुत वेल इन्फॉर्म्ड हूँ, ये चीजें मुझे पता है, जाहिर बात है मैं पढ़ता हूँ देखता हूँ। यार मैंने कुछ अभी टीवी इंडस्ट्री में एक दो काम किया थोड़ा बहुत, ड्रामा नहीं किया मैंने, प्लीज डोंट पीपल एक्सपेक्ट दैट, कोई नहीं है जिसने कुछ भी नहीं करवाया हुआ, लाइक कोई भी हमारी नहीं है इंडस्ट्री में कोई, यूड थिंक कि ये तो बड़े या नेचुरल, कोई इंसान शायद कोई हो, ओके मे वो बी आई डिफरेंस बट सिर्फ नॉट ये है कि कुछ नेचुरल लोगों ने बहुत है। अच्छा करवाया हुआ है और कुछ ने ओ अच्छा नहीं करवाया हुआ, और जिन्होंने आप अच्छा नहीं करवाया हुआ उनका नजर आता है, और ओ मतलब थैंक यू ऑब्वियसली बुरा हुआ हुआ नजर आता है। पर्सन, यू आर लाइक ऑफ कोर्स ने काम करवाया हुआ है,
और शहजाद सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं, सिर्फ मीडिया में नहीं, अब बहुत ट्रेंड कॉमन है. जैसे बिकॉज आई हैव बीन डूइंग इट फॉर अ व्हाइल, तो मैं, मुझे शक्ल देख के अंदाजा हो जाता है कि अच्छा किस के कहाँ पे क्या चीज हुई हुई है. अ लॉट ऑफ पीपल इवन हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, बहुत सारे लोगों ने वैसे भी मतलब करवाए होते हैं ट्रीटमेंट्स, दे हैव हैड बोटॉक्स और फिलर्स, एंड बहुत अच्छे अच्छे करवाए होते हैं कुछ लोगों ने, कुछ ने कुछ की थोड़ी बॉश किस्म की जॉब्स होती है ना, कुछ ने बहुत अच्छे करवाए होते हैं. एंड आई मैं तो आई एम टोटली यू नो आई सपोर्ट दिस ट्रेंड कंप्लीटली, कि अगर आपको इवन द 27 इयर्स गेट इट डन, सो इवन द 23 इयर ओल्ड, हां बहुत यंग लोगों ने, बहुत यंग लोगों ने करवाया हुआ है. देखो बेसिकली द थिंग इज के आफ्टर 25 यू स्टार्ट टू एज, मतलब आपके बॉडी, आपके फेस का फैट कम होना शुरू हो जाएगा, आपकी कोलेजन की प्रोडक्शन कम होनी शुरू हो जाएगी. सो 25 ऑनवर्ड्स एनी एज इज अ गुड एज टू स्टार्ट यू नो एटलीस्ट गेटिंग एंटी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स. क्या क्या होती है एंटी एजिंग ट्रीटमेंट? यार एक तो आपको स्किन केयर, तो खैर आप उसमें अगर SPF की बात करें, सनब्लॉक की बात करें, तो वो तो आपको शुरू से बचपन से लगाना चाहिए. लाइक 5 ईयर्स तक आपको ऑलमोस्ट मोर देन 50% डैमेज सन कर देता है. तो सनब्लॉक इज अ मस्ट, दैट इज व्हाट आई टेल एवरीवन, कि आपने बेबीज से लेके, तो अगर आप 80 साल 100 साल के भी हैं, तो यू नीड सनब्लॉक. अगर आप कुछ भी ना लगाएं, सिर्फ एक चीज लगाएं, दैट वुड बी सनब्लॉक. एक तो सनब्लॉक, मॉइस्चराइजेशन, and after 25 start incorporate retinol or isotretinoin. आप रात में जरूर लगाना शुरू करें, क्योंकि आपकी स्किन का टर्नओवर टाइम बढ़ेगा, जिससे ये होगा कि आपकी स्किन पर जो फाइन लाइन, पिगमेंटेशन, एजिंग के साइंस है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होंगे. एंड बोटॉक्स इज द गोल्ड स्टैंडर्ड. आपने अगर तो रिंकल्स को प्रिवेंट करना है, उसके लिए भी बोटॉक्स एक्सिलेंट है फॉर प्रिवेंशन ऑफ रिंकल्स एंड ऑल्सो ट्रीटमेंट ऑफ रिंकल्स. मैं 20 साल से मॉइस्चराइजर खरीद रहा हूँ, आज तक मैंने अपनी शक्ल पे नहीं लगाया है, मुझे पता ही नहीं. हाँ ये बहुत कॉमन है, ले लेके रखी होती है लोगों ने. इसका आसान तरीका जो मुझे आसान लगता है वो ये है कि आप अपने साइड टेबल पे या बिस्तर के कहीं आसपास नजदीक के चीजें रख लें. वही रखा हुआ है और वो खाली भी होता रहता है, पर फिर आपको थोड़ा वो करना पड़ेगा. हाँ थोड़ा अपने जिस्म के हिस्से जो है ना वो करने पड़ेंगे कि भाई इन इन हिस्सों पे भी लगाना है, मतलब चेहरे को भी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. तैमूर रहमान के साथ मैंने भी पॉडकास्ट की, मेरी दाढ़ी थोड़ी अंदर थी, लोगों ने इतना मुझे जलील किया कि शहजाद भाई सिर्फ डबल चिन नजर, डबल नहीं ट्रिपल चिन नजर आ रही है, चिन चिन टू, ये लगवा लूं मैं इधर इधर वो जो लगते हैं, क्या लगवा लूं इधर वो लगते हैं ना, वो यू हो जाता है वो जो यहाँ, जो यहाँ से अंदर जाता है फेस, वो आपको बकल फैट रिमूव करवाना पड़ता है, वो अंदर से वो चीक के अंदर से कट करके आपका फैट रिमूव करते हैं, देन दे स्टिच यू अप, यहां छोटा सा इतना बुरा लगता है. और फिर साथ में तुम्हें क्या अपने चेहरे के ऊपर आई एम अ फक बॉय वाला वो चाहिए इश्तहार? लेकिन जनाब से तुम्हारी डबल चिन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डबल चिन तो यहाँ है, वो यहाँ करने से फर्क नहीं पड़ेगा. दो टीके भी होते हैं जो यूं कर देते हैं. हाँ होते हैं. आप एक तो फैट वो करने के लिए, रिमूव करने के लिए केबेला जिसे कहते हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा स्लोली, स्लो प्रोसीजर है. और आप वो भी करवा सकते हैं, लाइपोसक्शन भी करवा सकते हैं चिन की, अंडर चिन. सिंस ये एक तमकिनत एक्सपर्ट एडवाइस बन चुका है, मोहम्मद सुफियान पूछ रहे हैं, हरामियों वाला पसीना आता है, सारा सनब्लॉक खराब गायब हो जाता है, ऐसे काम मत करे जिसमें हरामियों वाला पसीना आए. यार पसीना जो है ना, बेसिकली मैं एक मजेदार और भी बात बताऊं कि बोटॉक्स जो है वो पसीने का भी, जिन लोगों को एक्सेसिव पसीना आता है उसका भी ट्रीटमेंट है. स्पेशली जिनको बहुत ज्यादा, जिनके पसीने से बहुत ज्यादा बदबू आती है और वो मतलब सोशली एक बहुत एक हैंडीकैप बन जाता है, तो हम उनकी आर्मपिट्स में बोटॉक्स कर देते हैं. एंड फॉर 4 मंथ्स देयर इज नो स्मेल, लाइक इट इज लाइफ चेंजिंग. आज तक कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जिसकी मैंने अंडर आर्म्स का बोटॉक्स किया और वो दोबारा ना वापस आया हो. इट इज लिटरली लाइफ चेंजिंग, बिकॉज यू हैव नो आइडिया कि जिस बंदे से इतनी गंदी स्मेल आए, वो बेचारा कितना सोशली, मतलब कितने वो लोग सोशली चैलेंज फील करते हैं कि आप जितनी दफा मर्जी नहा लें, जरा सा पसीना आएगा तो स्मेल आने लग जाएगी. एंड वंस यू डू दैट, लिटरली लाइक तीन दिन में स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस, एंड विद इन अ वीक दे लाइक के this has altered my life, because now I don't have to constantly think about it ke mere se smell aa rahi hai, smell aa rahi hai, smell aa rahi hai.
सो या बोटॉक्स वर्क्स फॉर दैट एज वेल। टीके लगाती हो तुम? यार आई एम अ डॉक्टर, आई हैव सीन एंड टच्ड एंड एंटर्ड प्लेसेस वे ग्रोस देन बगले। बट आई मीन लाइक isn't that like unnatural? Shouldn't you sweat? Isn't that unnatural? Yeah, you sweat from your whole body. तो ऐसा नहीं होता कि आपको पसीना को पूरी बाल्टी रुक जाती है और फिर आप मर जाते हो। पूरे जिस्म में आपकी जहां जहां स्किन है वहां वहां पसीना आपको आ रहा है, बट कुछ एरियाज में आपकी जो जो पसीना है उसकी स्मेल ज्यादा आती है, जैसे कि आपके अंडर लेग्स हैं या अंडर आर्म्स हैं, वहां पे आपका बदबू वाला पसीना पैदा होता है बिकॉज वो मॉइस्ट और इस तरह के एरियाज हैं वहां पे बैक्टीरिया की प्रोडक्शन होती है जिसकी वजह से पसीने में से स्मेल आती है। तो अगर आप वहां पे बोटॉक्स कर दे स्पेशली अंडर आर्म्स में तो फिर स्मेल चली जाती है, बाकी बॉडी से पसीना आता रहता है बट यू डोंट स्वेट एक्सेसिवली फ्रॉम योर अंडर आर्म्स। आज का पॉडकास्ट पता नहीं कहाँ जा चुका है। मरियम प्लीज इसको वापस फन बना दें, हम बगलों के पसीने तक पहुंच चुके हैं आज। मरियम आमना से लड़ रही है, आमना को गालियां दे रही है। मैं आमना से मैं आइसक्रीम मंगवा रही थी, आइसक्रीम। वाह, मैंने आजकल एक फेवरेट आइसक्रीम मतलब डिस्कवर किया एंड दैट इट टेस्ट हेवनली व्हेन यू आर हाई एंड लाइक Let me show you. Like, वो नहीं होती, वो जो आई नहीं थी feast की तरह ये like much better than feast because it's like इसके अंदर जो चॉकलेट है ना, it's like sort of a fudge. It's not a chocolate but it's like a fudge. So I mean, your excitement is this world. I'm telling. So entertaining. मरियम ने अपने बुढ़ापे में munchies discover किए हैं। इस उम्र में आगे इज लाइक ओह माय गॉड, आयो के खाना खाने का दिल करता है और खाना अच्छा लगता है। और मैं और क्या बात करने लगी थी? क्या आप लोगों को ब्लैक कैट टैल्कम पाउडर याद है? जी बिल्कुल याद है। बाय द वे टैल्कम पाउडर causes cancer and it's also not good because it clogs your pores, so please don't use powders neither on babies nor on yourself. All powder, any powder, any powder, kyunki wo itna barik hota hai ki jab aap lagate hain to aapke masam jo hain wo block ho sakte hain, and also talcum itself is not good for the skin, and a lot of powders out there they cause cancer, so please don't. I heard wo jo Johnson's का बेबी पाउडर था उसका एक मसला मसाइल आया था, बट वो भी उसका तो सर्कमस्टांस में, नॉट इन जनरल एंड नॉट फॉर एडल्ट्स, एट लीस्ट दैट्स व्हाट आई हर्ड। हाँ, जॉनसन्स के ऊपर तो कई केसेस हैं उनके टेल्कम पाउडर से रिलेटेड के इन हार्मोनल इंबैलेंसेस और कैंसर और ये वो, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को कॉम्पेंसेशन भी पे की है, बहुत बड़े बड़े लॉ सूट है जॉनसन्स बेबी के ऊपर। यार इनका ये लोग पता क्या करते हैं खासतौर पे डेवलपिंग कंट्रीज में, इनका ना एक एक वो नेस्ले की कंपनी है या नेस्ले की कोई ऑफशूट कंपनी है, जॉनसन भी है शायद, इनका एक मिल्क फॉर्मूला जो इन्होंने जिस तरह से शुरू किया था ना बांग्लादेश वगैरह में, देयर आर लाइक स्टडीज ऑन इट, दे एक्चुअली मार्केटेड सेइंग ब्रेस्ट मिल्क तो अच्छा नहीं होता, उसके अंदर तो पता नहीं क्या होता है, आप अपने बच्चों को ये पिलाएं, एंड देयर आर पीपल हु एक्चुअली देन लिसन टू दैट सीरियसली एंड देन दे वर डेथ। एग्जैक्टली, और फिर करते भी क्या है इतने इतने साशे के अंदर, इतने इतने साशे के अंदर। यार मैंने तुम लोगों से जरा एक क्वेश्चन पूछना था, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल, एक सेकंड एक सेकंड मरियम, नफिया आयास कह रही है प्लीज इंक्लूड इंजीनियर इन दिस लाइव चैट। नफिया आपको ये सोच भी कैसे है? नफीसा आयास, आपको लग रहा है कि इस डिस्कशन के बीच में इंजीनियर? आई तो वुड नॉट लाइक टू सिट एंड टॉक विद दैट मैन, आई एम सॉरी। हां अच्छा चलें छोड़ दें डिस्कशन जी मरियम, इफ इट एवर कम्स टू दैट। मरियम आप बताएं, आई फॉर वन वुड नेवर सिट एंड टॉक टू दैट पर्सन बिकॉज़ ही इज अ वुमन हेटर। Anyway, that guy is a woman hater. That guy, मतलब जब शहजाद की जो पॉडकास्ट की जो पहले 15 मिनट है उसके अंदर वो इस तरह से शहजाद के सवाल के जवाब दे रहे हैं जैसे कोई औरतें ना हो गई कोई जो है ना बैकयार्ड में रखी कुकड़ियां और वो गाय वैसे होंगी, मतलब कि मैं इनमें बहुत महजूज हो रहा हूँ इस गुफ्तगू से। शहजाद आपको तो निकाह करके आना चाहिए था मेरे से। We don't roast guests who come on the podcast. वो बितारे आते हैं यार। मरियम पॉज हो गई हैं। No, but I am trying to actually make a point. I am actually trying to make a point because के इतने progressive so called जो हैं मौलवीज इतने सारे brain cells इतनी issues में सोच लिए, लेकिन अभी तक औरतों के issues पे brain cells चार इस्तेमाल नहीं किए और करने भी नहीं है। मिसोजिनी इतनी शदीद और इतनी जो है ना वो है।
पहले मैं उसे याद कराऊ मैं पहले क्या कहती मैं वहां से शुरू हो जाती। अहमद राशिद हुसैन मरियम वर्सेस इंजीनियर इज द पॉडकास्ट वी एक्चुअली नीड। नो थैंक्स आई वुड नेवर डू दैट। इतनी अभी मेरी लाइफ डेस्परेट नहीं हुई। लोगों के भी ऑडियंस में जो सवाल हैं प्लीज हमसे पूछें। आज का एक बहुत लंबा लाइव चैट नहीं होगा तो आप लोग भी अगर कोई बर्निंग क्वेश्चन है हमारे आज मौका है दस्तूर है। पीपल आर रियली मिसिंग द ओजी गैंग। सजीर हैज अ स्टमक बग। सजीर को मैंने बोला था इफ यू कैन ड्रॉप बाय लेकिन स्टमक बग का मतलब आप समझते हैं तो वी डोंट वांट के बैकग्राउंड में ओपेनहाइमर चल रहा हो। आप लोग दोनों ने देख ली बारबी या ओपेनहाइमर? अभी तक नहीं देखी। और मैं तो कह चुका था जितना रोल इन्होंने डाला है ना बारबी को लेके मैं उसको अब शर्त लगा के पायरेटेड वर्जन देखूंगी उसका। अब तो तुम्हें जाके टिकट लेके खरीद देखनी चाहिए बल्कि टू सपोर्ट इट। वो मैं कह रहा हूं पायरेटेड अभी उसका वो अच्छा वाला नहीं आया प्रिंट। चलो मैं वेट कर लूंगी। मैं वेट कर सकती हूं। प्रोडक्ट शिवाली इज बैक इन द चैट। थैंक यू शिवाली फॉर बीइंग वन ऑफ ओ जीज। हर चैट में मुझे लगता है कि मैंने इनका नाम दिया है। और मैंने तुम लोगों से एक इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछना था सॉरी इससे पहले मैंने ये पूछना था कि कसम कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि तुमसे इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछूं। नहीं नहीं ये सही वाला सवाल है। क्या सही वाला मैं तुमसे ये पूछना था तुम लोगों का क्या ओपिनियन है इसके बारे में ये जो ये टाइटैनिक सब वाला इंसिडेंट हुआ था एंड देयर वर पीपल। अच्छा मैंने ना कोई मतलब मैं टू बिगिन विद मेरे ख्याल है मैंने ना कोई 7-8 साल के बाद जो है ना ऑनलाइन फड्डा किया होगा जानबूझ के ना मतलब जंप मारी होगी अंदर तो मैंने मेरा ओपिनियन ये था कि 7 महीने में मैं और तुम कितने 100 गिना सकते हैं जिसमें तुमने जंप मारी है बट चलो। हाँ नहीं मतलब ये ऐसा था कि जिसमें मैंने जानबूझ के जंप मारी मतलब शौक से लगन से अदरवाइज मैं जंप हो जाती है मारनी पड़ जाती है लेकिन मैं खुद नहीं मारती ठीक है तो देयर इज अ डिफरेंस। तो मेरा ओपिनियन ये था कि इसके अंदर मेरा ओपिनियन ये था कि ये जो इतना जो है ना सदके वाली और वो इतना अफसोस हो रहा है इन लोगों को कि ओह माय गॉड दे वर आल्सो ह्यूमंस हु डाइड बट कांट यू सी दैट द कैलसनेस एंड द कंपैरिजन इट्स लाइक इट्स राइट इन योर फेस कांट यू सी दैट कंपैरिजन कि एक तरफ ग्रीस के अंदर वो 300 लोग मरे हैं और एक तरफ यहाँ पे लाइक टाइटैनिक सब के वो उसमें वो जो भी उनकी डेथ हुई हाँ दे आर ह्यूमंस देयर डेथ इज सैड आई एम नॉट रिजॉइसिंग बट लाइक द फैक्ट दैट यू जस्ट कांट इवन सी दैट कंपैरिजन एंड यू कांट क्रिटिसाइज दैट एंड यू आर जस्ट सेइंग ओ माय गॉड तू लाइक यू आर क्रिएटिंग यू आर पार्ट ऑफ दैट हाइप थिंग दैट हैपेंड इंस्टेड ऑफ एंड गिविंग हाइप टू द रॉन्ग साइड ऑफ द स्टोरी और द रॉन्ग कॉज नॉट द राइट वन। तुम लोग इसमें कह रहे हैं क्या क्या Yeah, obviously any loss of life is a human tragedy. One can criticize the media for the disparate coverage of the two incidents where one became worldwide news with the tracker that everybody watched and a bunch of resources were involved in trying to recover or trying to find out and millions were spent and one surmises that is because they were billionaires whereas poor people died and almost in some quarters it was celebrated because it stopped the inflow of refugees in these white little suburban towns in Europe that they built by stealing wealth from all around the world, pillaging and colonizing us poor people and then stopping the roads that lead back to them. So obviously aap ek media coverage in the world ko criticize kar sakte hain. Usi tarah ki baat hai ki jab Notre Dame jala tha और सीरिया में बॉम्बिंग हो रही थी तो पूरी दुनिया का फोकस नोट्रे डैम पे था। एक फायर है उसके चलने में होना नहीं चाहिए बट दिस आई स्टिल फेल्ट अ लिटिल ऑफ व्हेन यू नो लाइक पीपल स्टार्ट मॉकिंग द डेथ्स ऑफ दोस पीपल एट द एंड ऑफ द डे स्टिल पीपल हु डाइड स्पेशली शहजादा एंड हिज किड मतलब वो एक 19 साल का बच्चा था यार उसका मजाक उड़ा के लोगों को क्या मिलता है लाइक इट जस्ट डजंट जैसे वो एक 19 साल का बच्चा मरा है उस बोट के ऊपर भी इसी एज ग्रुप के बहुत सारे बच्चे होंगे एट द एंड ऑफ द डे अ किड डाइड और यू नो young men died
families lost their loved ones on both sides. So I believe that it's not a competition. Just because somebody has a fuckload of money doesn't mean ke unki unke nuksan ko, chahe wo mali ho ya jani ho ya kisi bhi kisam ka ho, usko celebrate kiya jaye. And just because somebody is poor doesn't mean ke unke kisi nuksan ko bilkul khate bhi na laya jaye ke bhai ye to marte hi rehte hain ya ye to incidents hote hi rehte hain. So I think dono taraf extremes hain. वो वाले लोग भी जो इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जी सेलिब्रेट नहीं है, इसको इजी ले रहे हैं कि यार क्या जरूरत थी जाने की, यहाँ पे कोई काम क्यों नहीं कर लेते, जब पता होता है कि मरना है तो क्यों जहाजों पे चढ़ते हैं. ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट एंड आई अंडरस्टैंड वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम, लेकिन आपको उस डेस्परेशन का अंदाजा नहीं है जो कि पॉवर्टी आपके अंदर डेवेलप करती है. इट इज एक्सट्रीमली सैड, इट्स ट्रेजिक that you know so many people, jab jaise afghanistan se jab wo plane uda tha aur log literally uske upar chhalange maar rahe the bahar nikalne ke liye, of course they knew ke aap plane ke upar chadh ke ek mulk se dusre mulk nahi ja sakte, it they knew it is impossible, they knew they were going to die, but it's just the desperation. Jab aapko pata ho, wo kehte na ke nobody takes their kids to the sea you know jab tak ke the sea becomes more, the land is not yeah, the land is not more dangerous than the sea. So wo desperation hai. On the other side, just because you know we cannot relate to the people who have billions of dollars, aur wahi wali baat hai ki aapse zyada jiske paas bhi paisa ho aapko yahi lagta hai ki yaar ye haram ka paisa hoga, ya somehow aap unki taraf zalim ho jate ho thode. To unki death ko bahut sare logon ne celebrate kiya ki kya zarurat thi usme sab mein jane ki, आपको पता नहीं था कि आप मर सकते थे, आपको पता नहीं था वो फट सकती है, आपको पता नहीं था, मतलब इट इज सो स्टूपिड, इफ यू हैव सो मच ऑफ मनी व्हाई डू यू हैव टू वेस्ट इट ऑन दीस काइंड ऑफ, भाई उनका पैसा है, वो चाहे आग लगाएं चाहे उसे टट्टी साफ करें, हु द हेल आर वी टू से एनीथिंग. और फिर किसी इंसान के की मौत के ऊपर उसका मजाक बनाना या हंसना या सेलिब्रेट करना, आई थिंक दैट इज, इसका मतलब ये है कि आप को इंसानी जान की परवाह नहीं है. फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं इंसानी हकूक का चैंपियन हूँ, क्योंकि मैं इतने ज्यादा जो लोग गरीब मरे थे उनकी मौत पे तो बहुत दुखी था, लेकिन इनके मरने पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा. तो देन यू कैन नॉट से कि आपको इंसानी जान की परवाह है. इट्स अगेन इट्स अ फॉर्म ऑफ क्लासिज्म कि आप एक स्पेसिफिक क्लास के साथ आप एक्टिंग करते हैं कि आपकी बहुत सारी हमदर्दियां जुड़ी हुई हैं. इसका इंसानी जान के नुकसान से आपका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अगर आप दोनों में से किसी एक के भी मौत के ऊपर खुश हुए हैं then you are not a good person, I would say, inherently. I think you can criticize the general behavior of wealthy people. For instance, American imperialism ko le lo, right? Like, I'm very critical of imperialism. दुनिया भर में बॉम्ब करते हैं, ज्यादती करते हैं, औरों के मुल्क को अपने प्लेग्राउंड ट्रीट करते हैं, अपने बॉम्ब्स बेचने के लिए मुल्क के मुल्क बर्बाद करते थे, लोगों को मार देते हैं. लेकिन जब मैं 9/11 की एक वीडियो देखता हूँ जिससे कुछ 70वें फ्लोर से जंप मार रहा है और नीचे आग लग रही है, that is heart wrenching. मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं and I pause. Like, you can't celebrate something like that just because we don't see that happening when the Titan imploded. It is tragic. Yes, tragic. Yeah. का founder था, उसका आप मजाक उड़ा सकते हैं क्योंकि वो उल्लू का पट्टा था. उसने सारे सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं उसको छोड़कर एक थ्रिल राइड करने के लिए, ये पियर्स मॉर्गन जैसे जो इडियट्स हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, तो वो एक बड़ा इनोवेटर था, उसने कुछ इनोवेट नहीं किया. वो टिकट लगा के अम्यूजमेंट पार्क के चक्कर में एक स्टूपिड हरकत कर रहा था और जिसको सबने उसको बोला, उसके अपने इंजीनियर्स ने बोला कि भाई ये ना करो. तो वो जो ओशन गेट वाला बंदा था यार, उसको भी आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके मरने को भी सेलिब्रेट करना के यार दैट इज नॉट नाइस आई वुड से, क्योंकि जानबूझ के तो मरने के लिए कोई अंदर नहीं ना जाता कि भाई मैं भी साथ चलता हूँ, आओ मरे मिलके. अच्छा, मरने पे कमेंट्री कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि क्या नाम है, इतना ज्यादा पैसा इस दुनिया में, इस करंट वर्ल्ड सेटअप में इतना ज्यादा पैसा एक्यूमुलेट करना इज इंट्रिंसिकली अनएथिकल एंड इट्स क्रूअल. इट्स लाइक बेस्ड ऑन क्रुएलिटी टुवर्ड्स अदर ह्यूमन बींग्स एंड स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट टू पाकिस्तान. आप इमेजिन करो, फैक्ट्री वर्कर्स के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, कोई अगले से अगले महीने की इंश्योरेंस नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, लाइक देयर इज नथिंग. सो दिस मच मनी यू हैव अमैस्ड, लाइक इमेजिन पता नहीं कितने करोड़ बनते हैं. मैं सोच भी नहीं सकती, मुझे सोचने में भी मुश्किल हो रही है कितने करोड़ बनते हैं. दिस मच मनी एंड इट्स दिस जस्ट डजंट गो विद द फादर एंड सन दैट डाइड, इट गोज विद एवरी अदर बिलियनियर जो कि इस लेवल पे इतने पैसे कमा.
इट इज इनहेरेंटली बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लाइक यू नो अ लॉट ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग्स. सो इनह्यूमैनिटी और क्रुएल्टी, सो देन आई थिंक इट्स प्रीटी जस्टिफाइड. मतलब टू पुट इट दिस वे, ओ वो मर गए तो बड़ा मजा आया सानू. नॉट दैट, नॉट एग्जैक्टली इन दैट सेंस, if that makes sense. I think in general baat bilkul sahi hai. Obviously agar hum kehte hain sari billionaires evil hai, I agree with that, but Daud Foundation ne Pakistan bahut acche kaam bhi kiye hain. Yes, historically agar aap dekhe government se fayda utha ke kis tarah unhone companies banayi, bilkul sari baatein I agree, but out of the lot that we have out of this, usme Daud Foundation ne bahut zyada acche kaam kiye. Iske bare mein maine ek tweet share ki thi jisme bande ne kaha tha ki charity in Pakistan ke setup mein charity is moral money laundering. ठीक है, आपको पता है कि आपने ऐसी एक्सप्लोटेशन की है कि उसके नतीजे में ऐसे लोग हैं जिनको एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं. आपने बड़े बड़े लंगर खोल दिए, आपने ये कर दिया, आपने स्कूल चला दिए अपना. इट्स मॉरल मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट एक्चुअली नॉट जस्ट बिलियनर्स डू इट, बट पीपल लाइक मी, अस मिडिल क्लास पीपल आल्सो डू इट. आई हैव टोल्ड सो मेनी टाइम्स टू माय पेरेंट्स कि आपके घर के जो हाउस हेल्प है उसको जरा ज्यादा पैसे दे दें. मतलब इतने 3-4 हज़ार तो मतलब इट्स अनइमेजिनेबल के 3-5 हज़ार तो देवा लाइक नहीं, वो ना नेवल एनक्रेज, वो उसका ना सेट हुआ हुआ है, रेट सेट हुआ हुआ है, तो हमने ज्यादा किया तो रेट खराब हो जाएगा, तो हम वैसे जो है ना वो उनको दे देते हैं वैसे, मतलब खाने के एंड दिस एंड दैट, वैसे उनको कपड़े और ये वो, वैसे ऊपर से कपड़े और ये चीजें दे देते हैं ताकि उनके ऊपर एहसान भी रहे. मतलब आप उनके मिनिमम वेजेस नहीं बढ़ाते, आप उनको मिनिमम वेज देते नहीं है, लेकिन आप ऊपर से उनको अपने पुराने पैसे और अपने सालन और अपनी रोटियां और ये चीजें देते हैं उनके ऊपर एहसान जताने के लिए. अगर आप उनको वही उनकी उजरत पूरी दें तो शायद वो कपड़ा और वो रोटी खुद अपने लिए कर सकें, लेकिन फिर आपका एहसान खत्म हो जाएगा ना, फिर आप बड़े कैसे बनेंगे, फिर आप उन्हें कैसे बताएंगे. हाँ, मैं तो समझती हूँ कि ये मॉरल मनी लॉन्ड्रिंग है. आपने लोगों को इस काबिल ही नहीं बनाया, आप क्या अपने मतलब यूनिवर्सिटियां और वो क्या करके क्या कर रहे हैं. बड़ा मुझे तो कोई तीर नजर नहीं आया इसके अंदर. हाँ, मतलब अगर आप अपने एम्प्लॉइज को इतने पैसे नहीं दे रहे कि वो इज्जत की रोटी खा सके और उसके बाद आप एक लंगर खोल दें शहर में कि जी वहां से मुफ्त की रोटी ले लें, तो आप लोगों को फकीर बना रहे हैं. अच्छा, उससे बेहतर है आप लोगों को फैसिनेटिंग लगी पूरे पैसे दें. एक चीज जो मुझे इतनी फैसिनेटिंग लगी कि मैंने मैंने पॉपुलेशन चेक की, पाकिस्तान दुनिया का पता नहीं 6th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, और उस मुल्क में गुर्बत का ये हाल है और उसी मुल्क में ना अमीरों का भी ये हाल है. मतलब कि एक दिन एक ही दो दिन दिन छोड़ के दे लाइक 300 पीपल लाइक क्रॉसिंग द बॉर्डर लाइक बिल्कुल अपनी वो होके, एंड देन देयर आर पीपल हु आर लाइक पेइंग करोड़ एंड करोड़ टू यू नो डू द व्हाटएवर शेनानिगंस. तो तुमने कहा था ना कि उनका पैसा है, जो तुमने कहा था ना उनका पैसा है, उनकी मर्जी है, तो मैं इससे नहीं मानती. अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक उनका पैसा नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन के. मरियम तमकीना, आप लोगों के लिए सवाल है. Sometimes I fall in love with Khalil ur Rehman Kamar's dialogue, but when I listen to his views on women, I doubt. Please enlighten. Yeah, I think kabhi kabhi aapko art aur artist ko alada karna padta hai, jaise ki wo wala jo gana hai teri aankhon ke darya ka utarna bhi zaruri tha. I like that song. Khalil ur Rehman Kamar has wrote it, and you know, I like the poetry. I don't like the man, and I don't agree with his idea on a lot of things, but yeah, the guy wrote a good song, so yeah, sometimes you have to separate main tumse se ek step main tumkina se ek step aage badh ke ye kahungi ki I agree with her, lekin then what I do personally in cases like these, I choose not to you know give them the due attention for their other work. It's like it doesn't mean anything to me, and it's like I personally find it as an insult to go and watch them. मतलब हाँ मेरा क्योंकि हर इंसान जो है उसके अंदर एक क्रिएटिव वो होती है, क्या उसको कहते हैं मतलब आइडेंटिफाई करने की वो होती है. तो मतलब ठीक है, गुड क्रिएटिव वर्क आर्ट पीस यू सी एंड यू गो लाइक या दैट्स नाइस, बट देन द पर्सन दैट्स डूइंग इट कुड बी वेरी मच एन एसहोल. एंड in my personal opinion, if that asshole is doing and saying shit that is actually hurting other people, that is actually like killing people, then
इट्स लाइक वे बिलो माई मॉरल, लाइक क्या उसे कहते हैं, बर्दाश्त के मैं उस बंदे को जो है ना उसके काम को भी कोई तवज्जो, मैं आइडियली ये समझती हूँ कि इस तरह के लोगों के काम को भी तवज्जो नहीं देनी चाहिए. और इसलिए मैं इस बात की भी, मैंने एक दफा मेरी लड़ाई भी होगी थी किसी से कि मतलब यू कांट कीप ऑन गिविंग दिस एसहोल एयर टाइम ऑल द टाइम ना, कि हाँ इसने लिखा तो बहुत अच्छा तो चलो ठीक है. देयर शुड बी इन 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 स्पेशली इन केसेस लाइक खलीलुर रहमान कमर, देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी, विच हैपन्स बाय द वे इन हॉलीवुड, के अगर इफ यू आर अ रेपिस्ट और इफ यू हैव लाइक एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग ओपिनियंस दैट हैव लाइक हर्ट पीपल, देन यू स्टॉप गेटिंग वर्क. बट दैट्स नॉट हैपनिंग इन हिज हाँ, यू केस. डू गेट कैंसर. देयर शुड बी लेकिन यहाँ पे तो आपको अकाउंटेबिलिटी और भी क्लाउड ऑफ मिल व्हाट जाता काइंड है, ऑफ एन यहाँ पे तो आपको एसोल डिजर्व का क्लाउड पर्सन मिल यू आर. जाता है. हाँ, और यहाँ पे तो मतलब उसको काम मिल ही जा रहा है, मिल ही जा रहा है, मतलब उसको भी और अली जफर को भी देख लो, उसके साथ के आगे भी चार पांच जितने भी लोग हैं, मतलब यहाँ पे तो फेमस वाइफ एकदम बीटर्स एंड यू टट्टीज, चला सब कुछ चला होगा, सारे कीड़े मकोड़े दौड़ रहे हैं अपनी अपनी नालियों के अंदर. यार, यहाँ पे तो हाँ लोग बाकायदा आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है ऐसी हरकतें करके. यू बिकम इनसेल्स का डैडी. इसलिए तो हाँ करता है एग्जैक्टली. अली, बट थोड़ी है उसको पता, समझ में आ गया है यार मैं इस हाँ तरह की ही बात, अंडरस्टैंड्स मेरा कि इन नाम चीजों से बनेगा मीडिया ज्यादा बिकूंगा. ऑन ऑन द पॉइंट अबाउट सेपरेटिंग द आर्ट फ्रॉम द आर्टिस्ट. आई थिंक दैट आल्सो डिपेंड्स. फॉर इंस्टेंस इफ आई लिसन टू अ माइकल जैक्सन राइट नाउ, आई एम नॉट नेसेसरली अगेन एलिजेडली पुटिंग एनी चिल्ड्रन एट रिस्क, बट व्हेन आर केली वाज एट द हाइट ऑफ हिज फेम इज व्हाट प्रोटेक्टेड ऑल द थिंग्स दैट ही डिड. फॉर पीपल हु डोंट नो, आर केली वुड कीप लाइक टीनेज गर्ल्स एज स्लेव्स या एंड would kidnap them and was involved in human trafficking essentially. But Just like Ezra Miller now. the fact that he was the number one streaming artist, I think Ezra Miller is also a very good example. The fact that he was leading this big budget DC franchise film, जो news थी कि वो एक बच्ची भगा के ले गया, तो वो ऐसे दबाई गई, ऐसे गायब हुई, ऐसे national narrative नहीं बनी, जबकि वो अगर कोई एक random black person होता तो वो एक front page news होती. तो यहाँ आर्ट और आर्टिस्ट को सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज बाय सपोर्टिंग द आर्ट ऑफ आर कैली यू आर क्रिएटिंग द इम्यूनिटी दैट आर कैली विल एंजॉय इन सोसाइटी बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन एज एन आर्टिस्ट हु हैज सोल्ड आउट कॉन्सर्ट्स एंड इज द नंबर वन स्ट्रीमिंग आर्टिस्ट. तो आप उस इंसान को और उसके जराइम को लीगल इम्यूनिटी दे रहे हैं उसके आर्ट को अप्रिशिएट करके. हाँ, हिस्टोरिकल जी पिकासो ने कुछ किया था, उससे फर्क नहीं पड़ता. आप पिकासो की पेंटिंग एंजॉय कर सकते हैं नोइंग कि अच्छा ये फ्लॉड ह्यूमन बीइंग था, इसने ये मसले मसाइल भी थे. बट इन प्रेजेंट व्हेन यू आर क्रिएटिंग सेलिब्रिटी, एवरीथिंग दैट कम्स विद सेलिब्रिटी कल्चर, आई थिंक पीपल नीड टू बी मोर कॉन्शियस ऑफ व्हेन दे कंज्यूम. बट यू नो जो क्वेश्चन था वो ये था कि आई एंजॉय हिज वर्क एट टाइम्स, लाइक आई लाइक द वर्क बट आई डोंट लाइक हिम एज अ पर्सन. सो माई आंसर वॉज टूवर्ड्स दैट कि इफ यू लाइक समबडी इज वर्क तो आई मीन आप क्या क्या करें फिर. इफ यू लाइक एन आर कैली सॉन्ग, यू लाइक द सॉन्ग, दैट्स इट. डोंट जस्ट यू नो ट्राई टू, बहुत अपने ऊपर वो करने की जरूरत नहीं है. हाँ बट अगर आप उसकी चीजें खरीद रहे हैं, यानी कि आप इफ यू आर पेइंग फॉर द म्यूजिक और इफ यू आर पेइंग फॉर दैट, या आप उसको एयर टाइम उस तरह का दे रहे हैं, और इफ यू आर इन अ पोजिशन कि जैसे आप किसी पोजिशन ऑफ पावर में हैं एंड यू आर स्टिल गिविंग दैट पर्सन वर्क, देन या डोंट. तो यू नो और टू डोंट. थ्री सिक्सटी पूछ रहे हैं बाय अच्छा एक तो ना संगीत. आई लव, एक तो आई लव देसी मैन, जो कि हमेशा फेमिनिस्ट पॉइंट्स को जो ना अगर थोड़ा उनको डाडा लगे ना तो वो नहीं, इस तरह तो इतना तो ना बोले. मतलब इधर एक कौन है, अहमद समथिंग समथिंग करके, उसने उसने लिखा है, उसने लिखा है कि आई थिंक इट्स अ लिटिल अनफेयर टू पेंट द सेम ब्रश फॉर खलीलुर रहमान कमर एंड रेपिस. नो इट्स नॉट, हाँ तो इट्स फेयर है, एक्चुअली नहीं, ये फेयर नहीं है. नहीं, मैंने अभी रिसेंटली एक बहुत आर्ट कॉल इंटरेस्टिंग खलील कॉल, रहमान कमर मैंने अभी रेपिस्ट एक रिसेंटली एक अनफेयर. मैंने अभी एक रिसेंटली बहुत इंटरेस्टिंग जो है ना साइकोलॉजिकल थ्योरी, वो काल काल यंग, आई डोंट नो हाउ टू जो जंग जंग जैसे भी उसको बिल्कुल प्रोनाउंस. काल हाँ, यंग है. उसने उसने ना उसने थ्योराइज किया है कि थ्योराइज किया था कि देर इज लाइक जस्ट लाइक देर इज लाइक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, देर इज ऑल्सो अ कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स. और सारे इंसान जो है ना, एक इंसान एक अपनी मतलब अपनी माँ के पेट से भी, मतलब अपनी सिचुएशनल चीजों से भी कुछ सीखता है, और एक जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है ना, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस एंड बोथ कॉन्शियसनेस, दैट ऑल्सो कम्स डाउन एज अ ब्लू प्रिंट वेन यू आर लाइक कंसीव्ड और वेन यू आर लाइक डिवेलपिंग एज अ ह्यूमन बींग. तो इस तरह की जो बातें होती है ना, ये वाली, ये
रेप को मिनिमाइज करने वाली कि नहीं बट यू आर लाइक पेंटिंग द सेम ब्रश ऑन हिम एंड भाई एक बंदा जो है जिसने सबसे पहले अगर औरतों ने औरत मार्च में कह ही दिया है कि हमारा जैसे मेरा जैसे मेरी बदी तो उस बंदे ने सबसे पहले ये अज्यूम किया कि ये बाजी है ठीक है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो है ना शी इज लाइक डूइंग हैविंग फन और जो बाजी के भाई हैं वो बाहर खड़े हुए हैं ठीक है ना और वो इंजॉय करें और सबसे पहले उसने क्या औरतों से क्वेश्चन पूछा कि अगर औरतें समझती हैं कि वो मर्दों के इक्वल हैं तो वो भी रेप करके दिखा दे तो मैंने तो इस तरह की बातें जो ना मतलब इस तरह की बातें दे सेट अ टोन दे परपेचुएट वॉयलेंस दे कॉज वॉयलेंस दे आर प्रीटी मच द डायरेक्ट कॉजेशन देयर इज लाइक डायरेक्ट कॉजेशन लाइक दे हैव बीन रिसर्च पेपर्स गो रीड बहन चोदो तो मतलब फिर अगर आप एक पोजीशन ऑफ पावर में हैं अगर आपको पता है कि आपको इतने सारे लोग सुनने वाले हैं और आप इस तरह की बातें करेंगे और आपको पता है कि आप एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहां ऑलरेडी कितना वॉयलेंस है औरतों के अगेंस्ट ऐसे माशरे में रह के ऐसी बातें करना आप मतलब यू बेसिकली आर अप्रिशिएटिंग या परपेचुएटिंग दिस काइंड ऑफ माइंडसेट 100% जब भी कुछ इंसिडेंट होता है हम हैंग द रेपिस्ट ट्रेंड करते हैं उससे कुछ भी नहीं होगा ये जो रेप कल्चर हमने क्रिएट किया हुआ है कि एक लड़की बाहर हो खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए इवन इन केसेस वेयर यू फाउंड द परफेक्ट विक्टिम एक माँ अपने बच्चों के साथ उसमें भी आप ये अच्छा जी मोटरवे पे क्यों थी ये थी आप एक्सक्यूजेस बना लेते हैं तो हमें इस रेप कल्चर को फाइट करने की जरूरत है बट ऑन स्पेसिफिकली ऑन द टॉपिक ऑफ मिनिमाइजिंग रेप इट्स सच एन इनह्यूमेन एक्ट दैट आई थिंक वी शुड ऑल्सो नॉट यूज दैट कैजुअली राइट लाइक फॉर इंस्टेंस इफ समबडी सेज समथिंग दैट्स मिसोजिनिस्ट saying you're a rapist for saying that I think the word that it should only refer to the act itself I think one of the problems is we've also normalized the use of the word for instance india pakistan ka match ho raha hota hai but like india ne rape kar diya pakistan ka pakistan ye nahi hona chahiye it should only refer to the act So yes, people who say something misogynist, they're terrible, they're promoting rape culture, they're creating the conditions where rapists are encouraged to form things like this. For instance, Kandil Baloch ke bhai ne usko mara hoga, lekin aap sab jisne uska honor jagaya, aap sab ne bhi kankariyan mari hain, but at the same time, for stupid shit that you say, because of which women's lives are threatened, because bhai, of which... matlab aap jo Nirbhaya case tha, usme wo jo uska... उसका जो मेन वो जो गैंग का वो था उसने सबसे पहले उसने बात ये की थी कि मैंने मैंने जो सुना है और जिस तरीके से मैं बड़ा किया गया हूँ तो मुझे तो ये बताया गया कि अगर एक लड़की अकेली बस पे जा रही होगी तो दिस शी शुड बी रेप लाइक दिस अच्छा खासा रेप कल्चर से वो इन्फ्लुएंस था मतलब आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करे बंदा तो दैट इज दैट आस्क्स फॉर अकाउंटेबिलिटी 100% बट एवरी पर्सन इन इंडिया हु सेज ताली दो हाथ से बजती है One shouldn't also call them a rapist because then the act of rape, which is so inhumane and so intense, wo thoda minimize ho jate hai ki acha bhai ab sab India mein, sab Pakistan mein, sare ke sare mardi rapist hai. So that should be very specific. A rapist is somebody who commits rape, not somebody who says something stupid online, in my opinion. Not all men, #not all men. Sawal kya tha, wo to puch lo. Sawal kuch bhi nahi tha. I think it falls in equivalency pe. रणवीर ऑटो बोल रहे हैं कि ये क्यों इतनी ज्यादा दीपिका लगती है क्या मैंने मुझे पहले वाले की नहीं समझ आई कह रहे रणवीर सिंह वांट्स टू नो योर लोकेशन आई वुड रादर नॉट गिव हिम माय लोकेशन इट्स माय सिंपलिसिटी माय ब्यूटी दैट आई लाइक हिम आई डोंट फाइंड एग्जैक्टली योर टाइप आई डोंट फाइंड हिम हॉट बट आई थिंक ही इज अ वेरी गुड एक्टर एंड आई फाइंड हिम वेरी एंटरटेनिंग मतलब इट्स नॉट कि बिल्कुल ही अगर कोई चिजल्ड आदमी होगा तो बिल्कुल ही नहीं मुझे पसंद आएगा ऐसा भी नहीं है बट आई फाइंड रणवीर सिंह टू बी अ लिटिल टू मच लाइक मुझे लगेगा मेरा एक 3 साल का और एक टॉडलर एक बच्चा हो गया दैट्स लाइक आई डोंट फाइंड दैट मेरा तो पता है आजकल किस पे क्रश है टू कैओटिक
आजकल क्या है तुम्हारा क्रश? मेरा आजकल क्रश है आदित्य रॉय कपूर पे, सबका सो क्रश है ये। तुम ऐसे लेकर आई हो जिस तरह दुनिया का सबसे यूनिक क्रश लेकर आई हो। नहीं आई मैं डोंट कोई नो, मैं नहीं कहती कि मेरा यूनिक क्रश है, बड़ा मैं ही यूनिक इज हॉट बट आई एवरीबॉडीज डोंट, क्रश, ही इज नॉट ही इज एवरीबॉडीज सो माय, हॉट, नॉट माइन मैं बाय। तो कब से उस पे क्रश कर रहा हूँ यार। वो तो शुरू से ही, वो ये जवानी है दीवानी में उसने ऐसी टॉक्सिसिटी दिखाई। आई वाज लाइक हाँ यार मैं तो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड यार थी जब बनी वो क्या चीजें होते शुरू हो, हुई। यार बनी तुझे पता क्या है मेरी जिंदगी के बारे में? लाइक यस यस डैडी। शहजाद, अरे यार मुझे बहुत हॉट लगता है आदित्य रॉय कपूर। आई थिंक शहजाद की ये कमिंग आउट एपिसोड भी यही होगी, वेयर शहजाद फाइनली केम आउट टू ऑल ऑफ अस। सो ये कांग्रेचुलेशंस शहजाद, मैं आज अनाउंस मम्मी करना पापा चाहता को हूँ, कब बता रहे हो? एक्चुअली आई वॉन्ट टू अनाउंस आशिकी 3 में मैं आदित्य रॉय कपूर के साथ आ रही हूँ। मैंने बहुत स्ट्रगल किया। ट्रांसफॉर्मिंग बोथ ऑफ यू हो, और बोल कौन रहा है तमकिनत, मतलब कौन बोल रहा है? ये जेके राउलिंग जो बैठी हुई है ना हमारे साथ। ट्रांस की बात भी नहीं हुई, मैंने तो कमिंग आउट का कहा था। अभी एक एक जुम ट्रांसफोबिया एक जुमले पहले तक कौन यू वर चीकी? क्रशिंग ऑन आदित्य रॉय कपूर, ये एक मेरे जुमले के बाद तुमने कह रही हूं वाला सीन शुरू किया है। लाइक यू आर ब्रेकिंग गोइंग जस्ट एज सिचुएशंस फास्ट ट्रांस फास्ट, दुनिया बहुत तेज है आजकल, पता नहीं होता। एक लाइन पहले तक ही होता है, एक लाइन के बाद शी हो जाता है। आई एम अच्छा सॉरी, तमकिनत आई आप मुझे बताएं डोंट ऑन तीन, पाकिस्तान आप एक्सपीरियंस। ओह माय गॉड, आई एम गोना देसी, तमकिनत टॉप 5 मोस्ट हॉट देसी मैन। मतलब इंडिया पाकिस्तान सब मिला के। हाँ बांग्लादेश रियली यार धर्मेंद्र, बेटर आई यूज टू दिल्ली फाइंड मल्ला दैट, मदला आई स्टिल दीवाना फाइंड और यार इतनी धर्मेंद्र की जवानी की तुम तस्वीरें बात देखो, जाना। ही वाज सो हॉट, ही हेमा नो फाइन। हेमा हेमा माली देख आई गई थिंक धर्मेंद्र वाज आज रियली क्यों हॉट। तूने धर्मेंद्र अक्षय कुमार, पे, आई फाइंड अक्षय कुमार हॉट, आई ऑलवेज यूज टू फाइंड हिम हॉट। या सब एंड हॉट है। हाँ यार वसीम अकरम, वसीम भाई इज हॉट। बाबर अली, दिस ग्रोन आई अप अंकल हैड फॉर मी लाइक ना, द आई कैन नॉट। ह्यूजेस्ट क्रश ऑन बाबर अली सिंस आई वाज अ किड, लाइक द बिगेस्ट क्रश एवर। आई थिंक ही इज एन एक्सट्रीमली गुड लुकिंग गाय। आई थिंक बाबर अली इज द हॉटेस्ट पोस्ट 50 गाय इन पाकिस्तान। या 50 एंड अबव आई थिंक डेफिनेटली बाबर अली इज नंबर 1 इन पाकिस्तान। डेफिनेटली मेरी यार, आवाज आ रही है? इवन व्हेन ही वाज यंगर, ही वाज लाइक रियली हॉट, रियली हॉट। एंड बाबर अली इज इन पर्सन इज अमेजिंग। आज मैंने उनके साथ एक सीन किया, आई लव बाबर अली। What? You're working with Babar Ali? यार ये तो मुझे You वैसे अनाउंस नहीं करना चाहिए था, बट हाँ ब्रो ही इज सो गुड, ही इज सो गुड, Yes. इज रियली गुड। और मतलब ये होता है ना कि काफी उस एज में आके लोग बड़े ही ईगोटिस्टिकल टाइप हो जाते हैं। ही इज सो लाइक मैग्नानिमस, वो मतलब पोस्टर्स की तारीफें करते हैं बैक स्टेज, इज नाइस टू एवरीबडी। सो या ह्यूज फैन। पांचवा कौन है तमकिन? यार पांचवा कोई जवानों में से कोई सोचने दो, कौन अर्जुन होगा? रामपाल पसंद तुम्हें? यस, अर्जुन रामपाल, यस, यस आई वेरी थिंक हॉट, इंडिया का, चेफ्स किस। आई थिंक इंडिया में पोस्ट 50 अर्जुन राम, आई डोंट नो इफ अर्जुन रामपाल इज मोर देन 50, बट अर्जुन आई रामपाल डोंट मिलन हो थिंक ही इज 50+, आई डोंट नो। चुका होगा यार, मतलब शाहरुख खान वाहरुख खान सब में। शाहरुख खान से बहुत छोटा है अर्जुन रामपाल, या क्या हो? अर्जुन रामपाल इज एग्जैक्टली 50, टर्निंग 51 दिस ईयर। Awesome. मरियम गांधी यार भी है मतलब। आई इवन यूज्ड टू फाइंड सैफ अली खान हॉट, ही इज अ गुड या लुकिंग गाय, आई थिंक ही इज अ गुड लुकिंग गाय। उसका भी बहुत क्यूट एक इंटरव्यू वायरल जा रहा है, मैं पूरी रात जागा, मैंने किताब पढ़ा पूरी रात। आई एम जस्ट किडिंग, कौन पढ़ता है किताबें? Yeah, he was प्रकाश very young ऑफ कोर्स उस इंटरव्यू के टाइम पे, he was very young. आई रियली लाइक दैट इंटरव्यू, ही इज And सो you know, सैफ अली खान is a very good actor. People don't give him credit, लेकिन फिल्में तुम कभी देखो, he is a very good actor. अगर तुम specifically like you know watch him
इवन इन व्हाट वाज दैट मूवी विद दिल चाहता है, अपना कैरेक्टर ही डिड अ सॉलिड जॉब. आई हैव ऑलवेज फाउंड हिम टू बी अ गुड एक्टर. यार तुमने वो देखा है वो इंस्टाग्राम पे एक बंदा है जो अक्षय खन्ना बनता है सर पे अपने. और वो जो माथे में बल भी उस तरह के आए होते हैं. ढूंढता हूँ मैं हर कहीं जो मिली मुझे कभी. यार अक्षय खन्ना राहुल और विनोद खन्ना दे फादर सॉलिड जीन्स है बॉस. नूरा फातेही बनी हुई है वो. एंड आई वाज लाइक ब्रो डैम सैफ. यार इवन वो वाला जो गाना है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, उसका आप डांस देखें, वो इतना फास्ट पेस्ड डांस है कि आपकी आंखें ऐसे ऐसे हो जाती है. एंड अक्षय कुमार एंड सैफ अली खान वर लाइक किलिंग इट. उस जमाने में कोरियोग्राफी बहुत मुश्किल होती थी और आपको वो करना पड़ता था पूरा पूरा 10-10, 15-15 मिनट का गाना होता था. दोनों है जुदा जुदा. मरियम टॉप 5 मेन देसी. ये क्या क्वेश्चन है? देखो नंबर वन तो वूजी फूजी हो गया ना. कितना सवाल है. वूजी लूजी नंबर वन. नंबर टू कौन है? मैं कहती हूँ यार ये वाकई ये क्वेश्चन नहीं है. बनता ही ये मरियम से नहीं बनता सवाल. वैसे आदित्य रॉय कपूर, अर्जुन रामपाल, आदित्य रॉय कपूर, फवाद खान, मिलन सोमन, अर्जुन रामपाल. मैंने कब कहा था मिलन सोमन कितना हॉट था. मैंने कहा तुमने टॉप आज भी. और लेकिन यार जवानी में तो मेड इन इंडिया उफ तौबा शोले निकल रहे थे स्क्रीन में से. वो मिलन सोमन ने अभी बेचारा मसले मसाइल में आ गया था. वो नंगा भाग रहा था अर्जुन रामपाल सोमवार में. यस अर्जुन रामपाल एंड आदित्य रॉय कपूर एंड अली फजल जफर एंड अली फजल. अली फजल ना भाई सबका बदला लेगा. तेरा फैजल तेरा फै नहीं ना भाई नहीं क्या नाम नॉट दैट करेक्टर सम अदर करेक्टर. अली फैजल. अली फजल वो है ना अली फजल चड्डा का शौहर है जो अली फजल. यार मिर्जापुर में यार मिर्जापुर का हीरो. हां मिर्जापुर का हीरो. मिर्जापुर में कैरेक्टर शक्ल रिचर्ड चड्डा से मिलती है. या चार हो गए. अब तुमको चाहिए कुल इज्जत वो. हां चार हो गए तीन हो गए कितने रह गए पीछे. आई डू नॉट टॉकिंग. आई थिंक शाहरुख इज द बेस्ट ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लेनेट. कम ऑन गाइस लाइक ही इज नॉट हॉट बट लाइक हाउ डू यू नो दैट ही इज द बेस्ट. हाउ डू यू नो सो ही रेडिएट्स पर्सनालिटी. लाइक उसका आप कुछ भी इंटरव्यू देख लें वो इतना विटी है. द इंटरव्यूज आर वेरी नाइस. या आई डोंट आई आईव नेवर बीन अ फैन ऑफ शाहरुख खान लाइक वो एक्टिंग वगैरह बट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज इंटरव्यूज. मैन नोज हाउ टू टॉक. अगर दुनिया में एलियंस आए ना एंड दे सेड एक इंसानियत का रिप्रेजेंटेटिव भेजो मैं शाहरुख खान. मेरा वोट शाहरुख खान को है भाई. लाइक वो हिज इंटरव्यूज यस हिज इंटरव्यूज आर ग्रेट. अभी वो उसने क्रिकेट वर्ल्ड कप का ऐड किया है एंड पीपल वर लाइक ब्रो दिस गाय इवन हैज केमिस्ट्री विद द वर्ल्ड कप ट्रॉफी. वो ट्रॉफी को ऐसे देख रहा है एंड लाइक हां काश मैं ट्रॉफी. यू नेवर नो द एलियंस माइट हैव जस्ट कम फॉर हिम. नो आई थिंक शाहरुख इज द लाइक द बेस्ट ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लेनेट नंबर 1. आई थिंक शाहरुख खान इज लाइक द बिगेस्ट स्टार ऑफ लाइक फॉरएवर. अभी तक का जितना भी है आई थिंक नोबडी हैज हैड दिस काइंड ऑफ स्टारडम. यू नो द एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट शाहरुख इज कि जो भी उसे मिला है ना वो बोलता है शाहरुख मेक्स यू फील लाइक यू आर शाहरुख खान. व्हाट अ थिंग. मरियम सड़ चुकी है कि हम देसी मर्दों की तारीफें कर रहे हैं. हाँ मैं लिस्ट में और सोच रही थी एक्चुअली कि और मुझे कौन कौन. अच्छा कुड़ियां कौन पसंद है तमकीना आप बताएं. देसी कुड़ियां वुमेन दैट आई फाइंड ब्यूटीफुल
दीपिका पादुकोण, नो कैटरीना कैफ, यार क्या नाम, पूनम दीप्ति बाजवा, नेवल और दीप्ति नवल, आई थिंक दीप्ति नवल नाम है, आई थिंक आई कौन है यार? मेरे ख्याल शी है मैंने, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल लाइक रियली हसीन। पाकिस्तान में बहुत हुई है यार, आई थिंक क्या नाम है उनका, धूप किनारे में भी जो थी, हिना खान, धूप किनारे में थी, नहीं, यार द अदर सिस्टर, मानूर शेख, बलूच, व्हाट शेख, नहीं, मानूर शेख, एबे नहीं, मानूर शेख मान कौन अली, है, शहनाज शेख, शेख, आई थिंक शहनाज शहनाज शेख शेख। वाज लाइक रियली ब्यूटीफुल इन हर जवानी, वाज ब्यूटीफुल। आई एग्री आई एग्री आई एग्री। एंड यार पाकिस्तान की बहुत सारी औरतें, एक द अदर वन रियासत, व्हाट वाज हर नेम, एक तो मुझे नाम बहुत भूलते हैं, आई थिंक उस जमाने की खवातीन बहुत ही हसीन जो टीवी पे आया करती थी, रेखा आई थिंक इज लाइक द एपिटमी ऑफ हॉटनेस। अच्छा, एक 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 वो भी है जो आजकल भी आ रही है, बट शी ऑब्वियसली कम ज्यादा मदर। क्या मेरे मेरे अच्छा ये तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, मेरी बनाई मत करो चैट में। फातिमा अजमल हैज जॉइंड अस, फातिमा अजमल हैज आल्सो स्टार्टेड हर यूट्यूब जर्नी, तो गो एंड वॉच फातिमा अजमल, वो हमारी एक ओजी लिस्नर है। और कौन फजीला सा, काजी, फजीला गाजी, फजीला फजीला काजी, गाजी इज प्रिटी, यस काजी, यस, फजीला वेरी गाजी प्रिटी। हैड दोज ब्यूटीफुल हेजल आईज, लाइक अभी तक भी अच्छा, शी इज रियली प्रिटी। कल परसों एक अकबरी अस्करी का एक क्लिप वायरल हुआ था, तो उसके अंदर अकबरी जो है ना, दैट इज दैट द वन हु इज प्लेइंग अकबरी, ओ माय गॉड, शी इज सो प्रिटी। आई मीन वेट, नाउ आई आई नीड डोंट, टू गूगल पुराना लाइक कोई फाइव क्लिप टाइम्स। था, इवन आर अकबरी लीडिंग वुमन, अस्करी पुराना कोई पीटीवी प्ले था ना इवन आर उसके अंदर। लीडिंग वुमेन, मायरा खान, मेविश अय्याज, आई थिंक दे डू अ गुड जॉब कैरिंग पाकिस्तान। यार इवन यार तुम लोगों ने वो देखा है, तुम लोगों ने जवाद अहमद का ढोलना का वीडियो देखा है? आ जा हिंद डोलना मेरा, जिसमें वो दूल्हा हाँ बन के यस गाउन, आई एग्री उसमें आई मॉडल एग्री, कौन है? शी इज ब्यूटीफुल। गाइस प्लीज चैट में जो लोग हैं ये ये मुझे कौन सी बताएं। मॉडल है पता नहीं, यार तुम मुझे लोगों देख की के वो शायद वीडियो याद, याद है, वो दूल्हा यार बन के, मेरी बात सुनो, इरज पाकिस्तान की जो मॉडल थी, शी वाज सो हॉट यार, द यार डस्की तो एंड रियली यार टॉल वन, शी वाज यार सो फ्रीकिंग निर्मा हॉट, निर्मा निर्मा वाज सो हॉट हाय हाय यार, दफा, निर्मा आर्या वाज हॉट सजेशन, यार, बेबा निर्मा बख्तियार, वाज हॉट, फरियाल गौहर, राणा निर्मा ने बाद में अपने आप रोड्स, को बड़ा कुछ कर दिया था, वो क्रिंज हो गई थी बिल्कुल। मुझे नहीं निर्मा वाज पसंद, हॉट, उसका वो गाना देखो, उसका डांस परफॉर्मेंस देखो, शी इज सो ब्यूटीफुल। सॉरी नो आई डोंट लाइक हर, चलो आई थिंक पाकिस्तान में रीमा वाज आल्सो प्रिटी, साइमा, आई नूर डोंट, बुखारी, आई थैंक नेवर यू लखते, फाउंड नूर साइमा बुखारी वाज प्रिटी, इन जवाद अहमद ढोलना वीडियो, ही वाज कौन थी, एक्सलेंट इन। नूर बुखारी, नूर बुखारी, नूर आई डोंट नूर, नो, नूर यार गो एंड बुखारी, वॉच नूर दैट वीडियो, शी डज सच अ बुखारी, गुड जॉब, लाइक अच्छा नूर जो पाकिस्तान की एक्ट्रेस भी रहे, वो फिल्मों में भी रह चुकी है, सॉरी अच्छा नूर यार आई नेवर लाइक हर, गो प्लीज प्लीज, मेरे भाई भाई समझ के सब, मेरा सजेशन, आई डोंट तो लाइक म्यूजिक हर, वीडियो अबे देखिए, चल मैंने फिल्में नहीं देखी, इज एक्सलेंट इन दैट म्यूजिक वीडियो। डोंट यू गाइस थिंक 90s, या तो ये सबको शायद अपने बचपन में लगता हो, बट द 90 एरा वुमेन वर पीक, उसके बाद से पीक तो नहीं यार, नहीं हर एरा की अपनी ना अपनी नहीं। होती है, लेकिन उस पता नहीं, एक आई डोंट नो, मे बी द वे दैट दे वर शॉट इन द ड्रामास, दे लुक लाइक, या वो असल में शायद बहुत हसीन थी वाकई औरतें, लेकिन उस एरा के जो ड्रामे हैं तुम कभी देखो, वो कितनी हसीन लगती हैं औरतें वो ड्रामों में, बहुत ही हसीन, शहनाज शेख, खालदा रियासत, और इवन मरीना खान, मतलब आप देखते हो तो यू लाइक ये वाओ यार, एंड अतीका ओडो, ओ माय ओह गॉड, शी यस, यूज्ड टू अतीका ओडो, शी इज ब्यूटीफुल लाइक ड्रामास, एक्सट्रीमली बहुत ब्यूटीफुल, प्यारी, या बहुत प्यारी लगती थी, एथरल एथेरियल क्वालिटी अबाउट दीज वुमेन, लाइक इट्स हाँ नॉट कुछ लाइक है मतलब, ट्रेडिशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के, यार ये मिस पाकिस्तान नहीं बनेंगी, बट ओ एक कुछ जेबा रेडियंस बख्तियार कुछ कुछ आई नेवर रेडियंस फाउंड हर टू बी है। रियली ब्यूटीफुल, आई डोंट नो यार, जीनत अमान, आज मैं आप लोगों को राज बता दूं, लोग कहते हैं क्यों आप खान साहब से नफरत करते हैं,
जिस दिन मुझे पता चला कि खान साहब और जीरा तमान स्कैंडल्स थे, मैंने बोला मैं इस आदमी को नहीं छोड़ूंगा, मगर बुलाऊंगा तुझे। परवीन बाबी, परवीन बाबी, बट पीपल हु डोंट नो परवीन बाबी, राखी, ये पॉज करें, परवीन बाबी इन द प्राइम, पीपल नो हु परवीन बाबी यार, इवन राखी, राखी गुलजार, शी वाज ब्यूटीफुल, आशा पारे, पता नहीं मैंने तो, मुझे तो बहुत ज्यादा, मतलब मैंने कोई ऐसी इंडियन फिल्म कोई पुरानी नहीं है, और बहुत सारी पाकिस्तानी भी 60s और 70s की फिल्में, आई वाज ऑब्सेस्ड, तो मैंने तो मतलब ऑल थ्रू माय चाइल्डहुड एंड माय टीन्स मैंने ये फिल्में बहुत ऐसे रिलीजियसली देखी हैं, तो मुझे तो तभी की हीरोइने और तब के हीरोज वो जो नहीं आपके दिमाग में बैठ गए होते, कि फॉर मी उनसे ज्यादा हसीन मैंने लोग नहीं देखे, बिकॉज प्रोबेबली यू नो व्हेन यू आर इन, व्हेन यू आर अ किड और व्हेन यू आर इन योर अर्ली टीन्स, और आपको एकदम यू नो लार्जर देन लाइफ और दे लुक लाइक दोस डेमी गॉड्स ऑन स्क्रीन, तो मेरे जहन में तो आशा पारे, धर्मेंद्र और राखी, आई थिंक दोस पीपल वर गॉर्जियस यार, इवन वैसे 90s में अगर आप बॉलीवुड देखें, यार रवीना टंडन सिंगल, एवरी रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, सोनाली बेंद्रे, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, जूही चावला, उर्मिला, करिश्मा, यार पता है क्या, तुम एक बात नोट करो, आजकल की जो लड़कियां हैं ना, जो हीरोइंस हैं, पाकिस्तानी ड्रामे भी देख लो, इंडिया की फिल्में भी देख लो, सब कुछ देख लो, एवरीबडी लुक्स द सेम, एवरीबडी, सबके बाल एक जैसे हैं, सबका मेकअप एक जैसा है, सबकी आईब्रोज एक जैसे हैं, सबका फेस स्ट्रक्चर, सबने कुछ ना कुछ करवा के एक सांचे के अंदर मुंह देखे बना लिया है, जो 90s की हीरोइंस थी ना इंडिया की, एवरीबडी लुक डिफरेंट, सबकी आंखें, आईब्रोज, लिप्स, नोज, एवरीबडी हैज हैड अ डिफरेंट फेस, इवन हेयर स्टाइल्स, आजकल की है कियारा आडवाणी और वो एक दो जो और है, मुझे तो आई कैन नॉट टेल एनी डिफरेंस, मतलब मुझे नहीं समझ आती कि कौन सी वाली कौन सी है, सब एक जैसे, सब कपड़े एक जैसे पहनती है, सब एक जैसे तैयार होती है, कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, अब तुम देखो रवीना टंडन और जूही चावला और माधुरी और श्रीदेवी और मनीषा कोयराला, ये सब कितनी डिफरेंट थी एक दूसरे से, मतलब नाक, होंठ, आंखें, आईब्रोज, हेयर स्टाइल, कॉम्प्लेक्शन, एवरीथिंग, मतलब एवरीबडी लुक्ड डिफरेंट, करीना कपूर इवन, करिश्मा कपूर, सब डिफरेंट लगते थे, अब एवरीबॉडी लुक्स द सेम एंड इट्स बोरिंग एंड आई डोंट फाइंड एनीबॉडी प्रिटी एनीमोर। लोग सही शिकायत कर रहे हैं कि तुम लोग आधे घंटे से सिर्फ सिंप कर रहे हो, चार साल आप लोगों के कैसे गुजरे, जरा रिफ्लेक्ट तो करें जिंदगी में, जिंदगी के चार साल पिछले कैसे रहे, क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया। मरियम तुम शुरू करो, मरियम इज लाइक माय गॉड सच अ पर्सनल क्वेश्चन। Okay, let's start from here. Where were the three of us in 2019? I think I was happier. Like जब मैं शुरू की podcast देखता हूँ, अपनी शक्ल देखता हूँ, हमने कि दूसरा कौन है? Like throughout the podcast मैंने अपनी शक्ल change होते हुए देखी है. And 2019 pre-COVID times were just a different life. आप लोग कहाँ थे 2019 में in life? Like what was your mental space? 2019? और जो सुनने वाले हैं आप भी अपने बारे में सोचो। 2019 मुझे ऐसे सालों में कभी भी नहीं याद रहता कि कौन से साल में, कौन से महीने में कहाँ थे, माय माइंड जस्ट डजंट वर्क दैट वे, बट आई 2018 सितंबर में आई माय डिवोर्स वाज फाइनलाइज्ड एंड आफ्टर दैट 2019 तक आई वाज प्रीटी स्टेबल, but I am a very different person now. I think I've grown up in the past 4 or 5 years a lot. I think I'm much wiser, if I would dare to say, and yeah, I think I'm happier. I also have a different work ethic. I take a lot of things more seriously. मुझे हमेशा प्रेजेंट पास से ज्यादा बेहतर लगता है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो, आई एम होपिंग द फ्यूचर इज गोइंग टू बी अ लॉट बेटर देन द प्रेजेंट, सो या लेट्स जस्ट सी। 2018 जुलाई में मैं आई थी जर्मनी, तो वो तो कह लो के 6 महीने बहुत अफरा तफरी के थे, सेटल होना, ये करना, वो करना, आई फाउंड अ स्टूडेंट जॉब, आई वॉज लाइक प्रीटी मच अगेन, I think 2018 June July was a very definite
life changing time because I think for both of us it was at that time when I filed for divorce basically 2018 June July mein I filed for divorce. So it was that time basically I got out September. Of the country na or in a way I got out of that marriage as well or 2019 was in a way very nice year because it was stable in terms of finances and also in terms of like my living and also like I had like gotten over a lot of things and I was like yeah maine apni solitude jo hai wo enjoy karna shuru kar diya tha aur actually jo nek parveen jo us 2019 mein video shuru aurat maa se shuru hui thi aur wo jo aage hui the that was me just enjoying my solitude and like creative being creative and having fun so I think it was nice and yeah it was nice 2019 अच्छा चार साल का बताना है सिर्फ 2019 का बताना है 2020 भाई उसके आगे तो मैंने इतना ओवर शेयर किया हुआ है मैं तो थक गई हूँ वही चीज रिपीट कर करके और क्या बताऊँ सारों को पता है तो यस आई थिंक इंटरेस्टिंग हमारी सबकी जर्नी रही है और जो लोग हमारे साथ इस सफर में रहे हैं आप लोग सबका शुक्रिया प्यार मोहब्बत आई थिंक डेढ़ घंटा तो हमने कर लिया कुछ और कहना चाहेंगे इससे हमें लग रहा था फन एक पार्टी पार्टी रखा हुआ था मैंने स्ट्रीम का नाम ऐसी सीरियस बातें हुई हैं यार सीरियस बातों वाली भी पार्टी होती है सोलफुल डिस्कशन नॉट बस मेरी पिटी सुनो करो अब भान भान असल में पिछली पॉडकास्ट में मैंने ऐसी राखी सावंत वाला बिहेवियर अपनाया था कि मैंने कहा इस तरह का हैबिट इन कंट्रोल आई थॉट कि आज हम फैंस से भी बातें करेंगे लेकिन हम तीनों ने इतने टाइम बाद किया था हमारी अपनी इतनी ज्यादा बातें हम कर नहीं सके सो मे बी नेक्स्ट वीक या सम टाइम फॉर पीपल हु आर एक्सपेक्टिंग कि वी विल टेक पीपल फ्रॉम द चैट एज़ वेल नेक्स्ट वीक मुझे मत बुलाना मैंने नहीं आना मरियम हेट्स पीपल मरियम इज लाइक लुक्स लोगों से मरियम इज अ पीपल हेटर एंड अंडरस्टैंडेबली सो आई एम प्राउड ऑफ बीइंग वन आई एम लाइक एक्सेप्टेड acknowledged, absorbed this, everything like that. I am not a people, like, yeah, people person. Ahmed Khan keh rahe hain, Haleem on biryani should be legal. Who puts Haleem on biryani? Haleem bro, on biryani. Your IQ should be illegal. Your IQ should be illegal. यार खाने पीने के मामले में मेरा ये ख्याल है कि जो जिसका दिल चाहता है वो खाए seriously. If somebody enjoys it, I would. Haleem on biryani. Yeah, why not? Yeah. यार मेरे ऐसा बंदा जो मीठे चावलों के ऊपर अचार डाल के और सालन डाल के और कबाब के साथ खा लेता है and I don't mind. मुझे तो हर तरह के combinations ठीक लगते हैं मीठे चावल क्या होते हैं जो I am very liberal when it comes to food. मीठे चावल क्या होते हैं जो अपने सेम ब्रीड के साथ चिपकते हैं मीठे चावल कौन से यार मीठे चावल अब तुम इतने फनी बनने की कोशिश ना करो इट वॉज अ वेरी सस जोक उस दिन मरियम आए नहीं मैं कह रही थी कि ये जो मीठे चावलों के ऊपर गोश्त वाला सीन है ये तो एक तरह से कल्चरल ये तो एक हैसियत है क्योंकि पंजाब में तो ये कॉमन डिश समझ लो एक तरह से शादियों में और लूने चावल मिक्स करके खाना और ये शादियों शादियों में जाती ही इसलिए थी बचपन में कि मीठे और नमकीन चावल मिक्स करके खाने ये तो पंजाब ये तो पंजाब के शादियों ये तो पंजाब की शान है इट्स लाइक अ डेलिकेसी ये तो लेकिन हलीम के ऊपर बिरयानी जो है ना वो मैं नहीं एग्री कर रहा आलू खाना तो उसको कौन सा जबरदस्ती हमें खिला रहा है मैं जाकर उसके मुंह से नहीं निकाल रहा उसने पूछा तो मैंने उसको जवाब दे दिया मैं ये नहीं बोल रहा कि तू खाएगा तो मैं अंदर आके निकाल लूंगा तेरे गले से एग्जैक्टली खा लो मतलब मैं खा सकती हूँ वैसे बिरयानी के ऊपर हलीम आई कैन खा तो वैसे मैं आई एक्चुअली एग्री विद दैट क्योंकि पुलाव के ऊपर वैसे हलीम डाल के खाने का बहुत मजा आता है आई हैव डन दैट व्हाट अबाउट मैंगो चावल आई एम सिंधी आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मैंगो चावल मैंगो विद एवरीथिंग मैंगो चावल यार हाँ मैंगो तो बंदा किसी चीज के साथ भी खा लेता है मैं तो मैंगो छिलके के साथ भी खा लेती हूँ छिलके समेत भी खा लेती हूँ
I said I'm very liberal when it comes to food. Everything goes. मैं ये कहना चाह रही थी कि मैंने इन 4 सालों में जितना भी वेट गेन किया ना, ये मतलब खा के किया, और मतलब मैंने खाने के ना मेरे ख्याल PhD कर ली होगी ना बहुत सारी चीजों के अंदर. तो मैं पॉइंट असल में भूल गई कि मैं क्या कहना चाहती थी, लेकिन हाँ मैंगो मैंगो से आप लोगों को मैं एक बॉम्ब शेल अनाउंसमेंट भी कर दूं कि मुझे अंदर से दिल से फीलिंग आ रही है कि ये हमारी पॉडकास्ट का आखिरी साल होगा. आई थिंक 5 साल इज टू मच, 4 साल हो चुके हैं. आई थिंक वन मोर. व्हाट शहजाद, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो तुम्हारी पॉडकास्ट चली है. मैं कितना करूंगा? आई थिंक एक और साल. आई थिंक आई हैव वन मोर ईयर ऑफ दिस इन मी. इट टेक्स टू मच. एंड देन आई एम मेकिंग लाइक गुड मनी आउट ऑफ इट. मैं स्टैग्नेट नहीं करना चाहता. आई थिंक वन मोर ईयर ऑफ पॉडकास्ट आई हैव इन मी. तो 1 साल और करेंगे, फिर कुछ और करेंगे. बकवास कर रहा है, अभी भौंक रहा है ये, देखना अभी. इन टर्म्स ऑफ 5 साल बाद भी है ये, 5 साल बाद भी कर रहा होगा. लेट्स सी बट इन माय हार्ट आई फील लाइक आई हैव वन मोर ईयर. तुम शादी वाली अनाउंसमेंट करो ना कि तुम्हारी मंगनी होने वाली है. सही बात लोगों को बताओ. सही बात, लोग चाहते नहीं हो. मेरे जो एनजीएल्स में लड़कियां इनविटेशन भेज रही है ना, तुम लोग उसे जेलस होके चाहते हो वो आना बंद हो जाए. मेरी बात सुनो, जो लड़कियां तुम्हें एनजीएल में भेज रही है ना चुपा चप्स वाले मैसेजेस, वो तुम्हें शादी के बाद भी भेजती रहेंगी. तुम क्या समझते हो हमारी बच्चियों को, वो बहुत ब्रॉड माइंडेड है. फिर भी भेजती रहेंगी, तुम टेंशन ना लो. मैंने कभी जिंदगी में चीट किया और कभी नहीं रुके. ब्याह वेह के कभी नहीं कोई पाकिस्तान ची रुकिया. हाँ जी बिल्कुल. पर मेरे अंदर तो है ना, तुम्हें वो मैसेज कर रही है ना, तुम कौन सा जाके उनके साथ यसु पंजू खेल रहे हो. अभी तो जाना है ना मैंने यसु पंजू खेलने, बाद में नहीं जाऊंगा ना. शहजाद अगर भाभी को पता चल गया तो तुम कितने. केड़ी भाभी, केड़ी भाभी. अभी तुम कह तो रहे थे पॉडकास्ट की फाइनल हुई है 40 साल पहले तो आपने मुझे ये थोड़ा. भाभी तुमने चाहे कहा ना, तुमने चाहे कहा ना, मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया. जी अहमद खान आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. जब मैंने झेलम में पॉडकास्ट खत्म की इंजीनियर मिर्जा के साथ, उन्होंने बोला तुम शादी जब तक नहीं करोगे मैं झेलम नहीं छोड़ने दूंगा, और वहीं पर मेरा निकाह हुआ और अब मैं झेलम छोड़ के आ गया हूँ. अब इनका निकाह होने वाला. असल में उन्होंने पॉडकास्ट की ही इस शतपथी का, क्या आपका निकाह हो चुका है हाँ या ना, हाँ हाँ की सूरत में ठीक है, ना की सूरत में पहले निकाह कीजिए. ठीक, झूठी खबरें हैं, झूठी सारी अफवाहें हैं. ये कोई झूठी खबर नहीं है शहजाद. अगर आने वाले साल के अंदर 2025 में शहजाद 2025 तक तो होगी ना शादी, 2 साल है उसमें तमकी ना. 2024 में मेरी शादी होगी, क्योंकि 2025 ना. क्योंकि ऑड इयर्स मेरे लिए बुरे होते हैं, ऑड इयर्स में कोई मेजर डिसीजन मैं नहीं लेता जिंदगी के. बकवास कर रहे हैं, शादी में इतने तो सितारों की चाल देख के चलने वाले. इवन ईयर भाई भाभी बहुत मुश्किल से मानी है. अगर भाभी कहेंगी ना कि कल कर दो, ये कुत्ते की तरफ दौड़ता हुआ जाएगा ऐसे जबान निकाल के और कहेगा शहजाद हम अब तुम चाहते हो कि हम नाम लें, तुम चाहते हो कि हम नाम लें, तुम चाहते हो क्या कि हम डिटेल्स बताएं. और मैं शेयर करती हूँ, मैं सारी बता दूंगी, मैं सारी बता दूंगी. मैं बहुत ओवर शेयर बता देंगे हम. और अगर वो देख रही हुई कि तुम किस चीज का इंतजार कर रहे थे फिर वो चीज हो गई. चलो ठीक है, चलो ठीक है. असल में तमकिना शहजाद कह रहा है कि हम इसके बिहाफ पे ना उसको प्रपोजल भेज दें इधर लाइव शो. इसका दिल है कि हम बोले हम कहीं वो कहे मेरी बात सुनी, मैंने कल पॉडकास्ट में देखा कि वो मेरी बात हो रही थी और उसको खुशी, और फिर वो खुश हो के अच्छा शहजाद मेरे बारे में कितने अरसे से बातें बताता रहा है और ये अपना रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहा है. बहुत तेज हो गए हो शहजाद. ठीक है हम आराम कर ले. डैडी डैडी ओ जाओ रेडी जिससे मेरी आप लोग सबको बाय यार. कैसे बनते हैं यार, बहुत मुश्किल होते हैं, मेरे से नहीं बनते. कैसे बनता है? ओके मरियम तमकिनत फ्रॉम ऑल ऑफ अस थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर जर्नी. तो बाय. इतनी कराची एंडिंग मुझे नहीं चाहिए पॉडकास्ट की.
तुम देखो चले आखिरी हमारी एंडिंग जाते जाते भी मरियम ने कोई नस्ली तासुब कोई फसादात करवा के भरपूर नस्ली तासुब से भरपूर मरियम दे दे लास्ट लाइन आप ताकि मैं एंड कर सकूं पंजाब सुप्रीमेसी की एक आलम मिसाल ये मरियम हाँ भाई ठीक है बस यार मेरा ये